दुनिया जा सिंधियों एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तिसादियात तारीख कौमी उमंगुन अखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन एं धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन एं हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सद दियूं था अचो त गजी सूफिन एं संतन वारी सिंध जो ओज एक मुठ थी वरी वापस आने वाले सफर जा साथारी बन जाऊं एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ा दो घर घर गोठ गोठ ऐं शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो ऐं सतावो थिए सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां हैदराबाद मां आऊं जाफर मेमण अवां सां मुखातिब आहियां इन वक्त आऊं मौजूद आहियां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे डॉक्टर बलोच हॉल में जिते सिंधी अदबी संगत हैदराबाद जे तरफां मोहम्मद उस्मान डी पिलाई जी वर्सी मल्हाई पई वञे हिन वर्सीअ जे मौके ते अवार्ड तक़रीब पिणु थींदी ऐं हिन प्रोग्राम में हिन वक़्तु सिंध जा अदीब दानिश्वर शाइर ऐं मुख़्तलिफ़ तनज़ीमुनि सां लाॻापियल माण्हू अॼोके हिन पिंडाल में मौजूदु आहिनि ज़फ़र आहे सिंधी अदबी संगत जो राबता सेक्रेटरी उहो हिन वक़्तु कार्रवाई शुरू करे रहियो आहे असां चाहियूं था त हिन प्रोग्राम जी जेका बि कार्रवाई आहे सा अव्हांजी समातुनि ते रखूं अखियुनि सोई ओरखियो जो कने सोम कन माउ मुंहिंजो मन जाम पसंदि ई पतियो अॼोकी तकरीब साईं मोहम्मद उस्मान डीपलाई हुनजो तारीफ़ मूं वटि हुन लफ़्ज़ कोन्हनि हर कंहिंखे ख़बर आहे सिंध जो तमामु वॾो नालो आहे ऐं जंहिं रुगो हिकिड़े हुन में फील्ड में न पर ड्रामा में नावेल में कहाणी में कुझु शायरी सहाफ़त मज़हबी हवाले सां हुनजा तमामु घणा कम उन हवाले सां ई असांजी छटीं वर्सी जे हवाले सां ई प्रोग्राम ऐं कुझु अवार्ड्स बि आहिनि अवार्ड तक़रीब बि आहे त प्रोग्राम जो आगाज़ करियूं था ऐं गुज़ारिश कंदुसि सिंधी अदबी संगत शाह हैदराबाद जे सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी खे थो मथे स्टेज ते अचनि अॼु हिन प्रोग्राम जी सदारत सिंध जे ॾाहप जे हवाले सां असां सभिनी जो उस्ताद असां सभिनी जो अॻवान असांजो रहनुमा ऐं गुज़ारिश कंदुसि साईं रसूल बख़्श पलीअ साहिब जिन खे थोरो मथे स्टेज ते अचनि अदब जो तमामु वॾो नालो नॉवलिस्ट साईं गुलाम नबी मुग़ल साहिब जिन खे थोरो मथे स्टेज ते अचनि साईं गुलाम नबी मुग़ल साहिब ऐं अॼोकी तकरीब जो ॿियो ख़ासि महिमान असां सभिनी जो उस्ताद बज़ में रू रिहाण कंहिंखां बि गुझी न आहे हुनजो सरवाण अॻवान साईं हमीद सिंधी साहिब जिन खे गुज़ारिश कंदुसि मथे स्टेज ते अचनि साईं हमीद सिंधी साहिब लाइ ताड़ियूं थी वञनि खां पोइ ॿियो महिमान नौजवान अदीब ॾाहो असांजी सिंध जी मुल्का मुल्क सिंध जो नालो रोशन करण वारो साईं जामी चांडियो साहिब गुज़ारिश आहे साईं जामी साईं जामी चांडियो साहिबु मथे स्टेज ते ईंदा खां पोइ सकाफ़त खाते जो अॻूणो सेक्रेटरी ऐं अदब नवाज़ अदब परवर साईं गुलमत उमराणी साहिबु जिन खे गुज़ारिश कंदुसि त उहो मथे स्टेज ते अचनि
साईं मोहम्मद अली डिप्लाई साहब जिनके तू मथे स्टेज ते अचन साईं मोहम्मद अली डिप्लाई साहब अज इन तकरीब जो मेज़बान सिंधियत भी संगत शाह हैदराबाद जो सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी साहब जिनके गुजारिश कर तो पंजी सीट ते वेहन गुलाम मुस्तफ़ा जो ताड़ी भला कौन थी वजे रिवायत मूजिब सिंधियत भी संगत जो कड़ो प्रोग्राम हो गर्जानी हुए या उन खास प्रोग्राम हो शुरुआत हमेशा लतीफ़ साईं के बेत या वाई साईं थी है और गुजारिश कर सिंधियत भी संगत शाख हैदराबाद के मेंबर तालिब भंबरो साहब जिनके तू अची लतीफ़ साईं की वाई पेश कन तालिब भंबरो ताड़ियों तुझे हो दर्द फिराक में लाबींद से यार मरी तांबरी अड़े मिठड़ा ओ तुझे हो दर्द फिराक में लाबींद से यार मरी पेरूं ता चूंडी दस बांधन में भलो म्यां पेरूं ता चूंडी दस बांधन में ओ खबरन लाम लड़ी ता लड़ी अड़े मिठड़ा ओ खबरन बास खड़ी ता खड़ी अड़े मिठड़ा तुझे हो दर्द फिराक में अला वींदस यार मरी ता मरी अड़े मिठड़ा ओ तुझे हो दर्द फिराक में अला मेहरबानी तालिब हाँ सभी मेहमान के भलीकार चवण के लिए आऊँ गुजारिश कर मुसा गड़ी बीठो है सिंधियत भी संगत शाह हैदराबाद जो जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मौला बख्श मोहब्बती साहब ताजियानो पेश कर मानवरा साईं रसूल बख्श पली जो साहब साईं हमीद सिंधी साहब साईं उमराणी साहब साईं गुलाम नबी मुगल साहब साईं असो प्यारो जामी चांजो साहब साईं मोहम्मद अली पिलाई साहब असो दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी ए पिंडाल में वेठल सभी दोस्त असि अदबी संगत सभी की थोराती है जी अस चवण से आया अस मान बख्शो मेहरबानी सब का पैर आऊँ सिंधियत भी संगत शाह हैदराबाद के ऑडिटर 46 किताबन के खालिक कहानीकार सलीम चन्ना के गुजारिश कर अची मुख्तसर साईं मोहम्मद उस्मान डीपलाई साहब की शख्सियत गल सलीम चन्ना साईं मोहम्मद उस्मान डीपलाई जैसी कुरान प्रेस के जैसे साड़े वो हो तो मुख्य ढो दुख थो हो छो तो वह अस पाड़े खोखर पाड़े में हुई तोलाराम बिल्डिंग के हेठा इन ही करे वो दौर असा जैसे याद अचे तो वह सिंधी अदब लाड़ो वो अलमी हो बो वाक्य जो मुख्तसर बुधाइंदुस वो यो तो 1974 में जैसे सिंधी अदबी संगत शाख हैदराबाद जो गजाणियों मंजूर चैम्बर्स में थन्दी हुई ए साईं न्याज़ हमायूनी साहब उत इंचार्ज हों तो एक ढी आऊँ वेठो साईं न्याज़ हमायूनी साहब वट तो साईं डीपलाई साहब उत आया गानन कंदे साईं न्याज़ हमायूनी साहब चयो तो साईं दिसो था असो सिंधी छोकर टीवी से पहुंची व्यून ए उत वेठ तकरीरू कन उत वेठ खबरू पढ़न तो साईं डीपलाई साहब उनके न्याज़ तो खबर कान्ने तो असो जो पढ़िय लिखल सिंधी औरतूँ जो अगत ओतरो सुठो है यो तो पा सुी गाल असो न्याणियों के से अगत हर फील्ड में वन पढ़ी लिखल औरतू ज टीवी थी अचन थी तो यह सुठी गाल है उन मुआशरे के सुधारींद खराब को समझा तो उनका मूँ डीपलाई साहब से लिखो है पर मुख्तसर ये वाक्य बुधाए पैं जाए वस बाकी जो उन खाको लिखो है वो इनशाला छपराइंदुस मेहरबानी तुम सभी की ये जी मथे स्टेज मेहमान वेठा उन सभी के सामू एक किताब रखल है जो मेहरान टिमाही मेहरान जो 2014 जो छापो है ही खास नंबर है मोहम्मद उस्मान डीपलाई खास नंबर अस चाहूँ था इन एकड़ी तरह की महूर्त करूँ सो मेहमान की गुजारिश है इन किताब की महूर्त कर किताब जो महूर्त सही टिमाही मेहरान रिसालो खास नंबर मोहम्मद उस्मान डीपलाई खास नंबर 2014 जो छापो है हाँ तकरीर मकालन तरफ
सभ खां पहिरीं आउं गुज़ारिश कंदुसि, असांजी अदब जो हिकिड़ो तमामु वॾो नालो आहे ड्रामा जे हवाले सां, नॉवेल जे हवाले सां, कहाणी जे हवाले सां, थोरी थकी साईं शायरी बि आहे, रेडियो सां बि हुनजो तालुक़ु आहे, रहियो आहे, हींअर ताईं आहे। साईं ज़ैब सिंधी साहिब जिन खे गुज़ारिश कंदुसि उहो अची पंहिंजा वीचार वंडीनि। साईं ज़ैब सिंधी डिप्लॉय साहिबु, पंहिंजे जीअं त ॻाल्हि बि थी त 16 सालनि जी उमिरि में लिखणु शुरू कयो ऐं नंढी उमिरि में उहो वञी ज़मीनदारनि वटि बीठो, ग़रीब जो ॿारु हो। त उनजो इंट्रो छॾे करे उनखां अॻियां वारो मां हिसो तव्हांखे ॿुधायां थो त डिप्लॉय साहिबु ज़मीनदारनि वटि 10 रुपया माहवार ते नौकिरी शुरू कई ऐं 30 सालनि जे पोरे खां पोइ 500 रुपया माहवार ताईं पहुतो। हिन पंहिंजी आदम कहाणी में लिखियो आहे त 30 वर हुननि सां वाबस्ता हूंदे बि मां ख़ाली हथे रहियुसि, न त उन ई ढंग सां रहंदे माण्हू मिल्कियतूं ठाहे वेंदा हुआ। जेकॾहिं डीपलाई साहिबु चाहे हा त पंहिंजे अकुल ऐं ज़हानत सां उन्हनि ज़मीनदारनि मंझां कंहिंजा खंधा ई ख़लासु करे छॾे हा ऐं पोइ संदन नौकिरी छॾे पाण नंढी ज़मीनदारी शुरू करे हा ऐं वधे वाड़ी लॻे भाग जे उसूल ते अमल कंदे वक़्त सां गॾु पाण बि चङो ज़मीनदार बणिजी लठ खणी वेही रहिया। पर हुन पंहिंजी ज़िंदगी अहिड़े ख़सीस मक़सदु ख़ातिर न पए घारणु चाही। उन वरेर के माहौल में रहंदे बिना आदर्श इंसान जे अॻियां ज़िंदगीअ जा आला मक़सदु मौजूदु रहिया। उहा हिनजी सोच ऐं फ़िक्र जी ताक़त हुई जो ज़मीनदारनि जे खातनि जा हिसाब कंदे बि हिन पंहिंजी आराम जे वक़्त खे हिकु मक़सदु ख़ातिर क़ुर्बान कयो। हिन पंहिंजी निंड फिटाए सिंध जी सुजाॻी लाइ सोचियो ऐं पंहिंजे कलम वसीले सिंध जे अबोझ माण्हुनि जी खे लॻातार शौर सां आशना करण जी कोशिशि कई। ज़मीनदारनि वटि 30 सालनि जे पोरे खां पोइ पंहिंजी सोच ऐं फ़िक्र जे वधीक फैलाव ख़ातिर हिन बाहिमत माण्हू जॾहिं बाक़ाइदे हिकु इशायती अदारो क़ाइमु करणु चाहियो त वटि फ़क़ति 50 रुपया हुया। हिन उन्हनि 50 रुपयनि सां कमु शुरू कयो। इहा संदसि हिमत हुई जो लगातार माली मुश्किलातुनि सां मुंहुं ॾींदो रहियो ऐं हिकु अहिड़ो इशायती अदारो क़ाइमु करण में कामयाबु थी वियो जंहिंजी न फ़क़ति पंहिंजी प्रेस हुई पर उन इशायती अदारे पारां केतिरनि ई किताबनि खां समेत माहवार ऐं हफ़्तेवार रिसालनि खां सवाइ रोज़ाना अख़बारूं पिणु जारी कयूं वयूं। उन जी प्रेस, उन जी इशायती अदारे सिंध में रोशन ख़्याली जे फैलाउ ऐं फैलाउ में सिज जी रोशन किरण जहिड़ो किरदारु अदा कयो। पाकिस्तान अंदरि ॿियनि सूबनि जे भेट में सिंध में जेका थोरी घणी रोशन ख़्याली मौजूदु आहे उन जी रोशन सोच जो जेकॾहिं पेरो खणंदासीं त हिकिड़ो पेचरो त डीपलाई साहिब जी उन जी प्रेस ताईं बि वञी पहुचंदो जिते बि हुन उहे बेशुमार किताब, रिसाला ऐं अख़बारूं छपियूं। जिन खे फ़क़ति लेखक ऐं अदब दोस्त ई कोन पढ़ंदा हुआ पर डीपलाई साहिब जे उन्हनि इशायतुनि खे सिंध जे अवाम वटि बि मिसाली क़बूलियत हासिलु थी जंहिंसां अवामी सोच में रोशन ख़्याली जो लाड़ो वधणु लॻो। डीपलाई साहिब जा लिखियल ऐं तर्जुमो कयल अटिकल 150 किताब सिंधी अदब में कंहिं बि अमुल ख़ज़ाने खां घटि न आहिनि। उन्हनि किताबनि जी अहमियत ऐं अफ़ादियत अॼु बि क़ाइमु आहे। हक़ सच जी ॻाल्हि कंदड़ माण्हू बातिल क़ुवतुनि जी अखि जो कंडो बणिजी पवंदा आहिनि जंहिं करे खेनि तकलीफ़ूं बर्दाश्त करणियूं पवंदियूं आहिनि। डीपलाई साहिब खे बि सच लिखण जे नतीजे में केतिरनि ई मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। कॾहिं संदसि किताबनि, रिसालनि, अख़बार ते बंदिश विधी वई, कॾहिं संदसि प्रेस ऐं प्रेस में मौजूदु किताबनि खे बाहि ॾिनी थी वई, त कॾहिं वरी खेसि जेल में वाड़ियो थी वियो। खेसि पंहिंजे मक़सदु सां हटाइण जी हर मुमकिन कोशिशि कई वई पर हू पंहिंजी हिमत ऐं हौसले सां उन हर उन ई कोशिश खे नाकाम बणाईंदो रहियो जेका संदसि मक़सद जे अॻियां रुकावट बणिजी साम्हूं ते आई। न हिनखे कंहिं सघारी धुर जी पुठिभराई हासिलु हुई ऐं नई वटि इसका दौलत हुई पर हिन वटि फ़क़ति हौसलो ऐं हिमत हुई। हिन भेट रफ़े शख़्स खे जेकॾहिं का पुठिभराई हासिलु हुई त उन्हनि थोरनि रोशन ख़्याल माण्हुनि जी जेके संदसि फ़िक्र ऐं सोच जा हामी हुआ। उहा पुठिभराई बि फ़क़ति फ़िक्री ऐं हिकु जहिड़ाई जी फ़क़ति फ़िक्री हिकु जहिड़ाई जी हुई। खेसि कंहिं बि फ़र्द जे आधार जी माली मदद हासिलु न हुई। डीपलाई साहिब जो हौसलो ऐं हिमत ई संदसि दौलत हुई ऐं हिन पंहिंजे अमल सां इहो मिसाल क़ाइमु करे ॾेखारियो त हक़ ऐं सच जी राह ते मक़सद सां सचाई इंसान जो इंसान जी सभ खां वॾे में वॾी दौलत हूंदी आहे। तव्हांजी महिरबानी। महिरबानी ज़ैब साईं। ऐं हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि हिकिड़ो अदब जे हवाले सां, तहक़ीक़ जे हवाले सां बि वॾो नालो अदी परवीन मूसा मेमण साहिब जिन गुज़ारिश कंदुसि त उहो अची पंहिंजा ख़्याल असांखे ॿुधाईं। मोहम्मद उस्मान दीपलाई जी शख़्सियत घणपा सही हुई। संदसि नालो कोना मुश्क सहाफ़ी, एडिटर ऐं क़ाबिले क़दुर अदीब तौरु मशहूरु आहे। थरपारकर जे हिकिड़े नंढिड़े ॻोठ में जनम वठंदड़ हिन नेक ऐं पुरखुलूस इंसानु सॼी ॼमार सहाफ़ती ऐं अदबी ख़िदमतनि खे अर्पे छॾी। हीउ मुंहिंजो मकालो 10 पेजिस जो आहे।
ऐं इन जो उनवान आहे त मोहम्मद उस्मान दीपलाई जे नाटकनि में समाज जे सुधारे जो पैगाम। हूअं त हर अदीब चाहींदो आहे, लिखंदो ई समाज लाइ, पर दीपलाई साहब जे जंहिं वक़्त में लिखियो उहो वक़्तु सिंधी समाज में कीअं हुन महसूसु कयो, कीअं हुन कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहियो। पर दीपलाई साहब न सिर्फ़ु समाज जे सुधारे जे लाइ पैगाम ॾिनो, पर हुन जा हल बि ॾसिया, जेके ओणायूं हुयूं हुननि जा हल बि ॾसिया। हुन केतिरा ई नावल लिखिया, कहाणियूं लिखियूं, मज़मून लिखिया, जिन जो मक़सदु फ़क़ति ऐं फ़क़ति सिंधी समाज में सुधारो आणणु, हुन समाज जे पुराणनि रोगनि, जहालत, पीरी मुर्शदी, वहम परस्ती, ज़ैफ़ुल एतक़ादी, तबक़ाती सोच, वॾेरा शाही ऐं सरमाएदारनि जी निज़ाम ख़िलाफ़ु जंग जोटी, पंहिंजे कलम खां जहाद बिसैफ़ जो कमु वरितो ऐं उन में कामयाबी माणी। तहक़ीक़ अदब उहो ई आहे जंहिं मार्फत उन धरतीअ जे ख़िते जी समाजी पस मंज़र जी, सियासी ऐं समाजी मुआशी हालतुनि जी अकासी थिए, माण्हुनि जे ख़्वाहिशनि, दिली उमंगनि, मुहबतनि, नफ़रतनि, मज़हबनि, अक़ीदनि ऐं सोचनि, रस्मनि, रवाजनि जी ख़बर पवे, नेकीअ ऐं बदीअ जो फ़र्क़ु वाज़े थिए। ॿियनि लफ़्ज़नि में अदब जो वास्तो इंसानी समाज सां मज़बूत ऐं मरबूत नमूने जुड़ियल आहे। दीपलाई साहब पंहिंजे तख़लीक़नि वसीले हितां जे माण्हुनि जे ॾुखनि, सुखनि, बुखनि, बदहालियुनि, रीतनि, रस्मनि, उथियनि वेठियुनि जी छंड छाण कई। साणनि थियल अकूबतनि ते फ़क़ति आवाज़ु कोन उथारियो, बल्कि हिकु समाज सुधारिक अॻवान ऐं रहबर जीअं खेनि उन्हनि मुनफ़ी कुवतनि मां निजात हासिलु करण जा गस ॾसिया, लातादाद मसइलनि ऐं मुंझारनि जा हल ॾसिया। हुन हयातीअ खे जीआरणी अदा तब्दीलीअ जो फ़िक्रु ॾिनो ऐं पंहिंजे मौक़िफ़ जी सुहिणे नमूने वज़ाहत कई। कुझु माण्हुनि चयो त दीपलाई साहब जज़्बातियत खां कमु वरितो, हुन जी लिखणियुनि में जज़्बातियत जो अमल दख़ल वधीक आहे। कुझु अहिड़ो मक़सदु ई अदब न तख़लीक़ कयो। दीपलाई साहब जा नाटक कुल 14 लिखियल आहिनि ऐं जिन जा नाला गैरत उर्फ़ नूरजान जो पुटु, शाहिदी, इस्लामी मुक़दमो, थरी भील, सजाई मूरी, खुर्शीद उर्फ़ मिर्ज़ा गाज़ी बेग, औरत, वाभीअड़ो, ॾुकार, निजूमी, आज़ाद चूंड, कांग्रेस नाटक, पंचायती पदमणी, डॉक्टर नाटक ऐं कोर्ट नाटक। हिन में कुझु नाटक अहिड़ा बि आहिनि जेके तारीख़ी हवाले सां आहिनि ऐं इनकलाबी अंदाज़ सां हुन लिखिया आहिनि। हाणे जीअं नूरजान ऐं जहांगीर जो किसो, जहांगीर जेको आहे तंहिंजो माटे पालियल पुटु नूरजान जो, ऐं उहो हिकिड़ो क़तल थो करे ऐं उनखे कीअं जहांगीर ऐं नूरजान इंसाफ़ था ॾियनि, पर दीपलाई साहिब उनखे कीअं करे वरितो। हुन ग़रीब खे इंसाफ़ ॾियणु समाज में पसंदि कयो, हुनखे ग़रीब लाइ इज़त हुई ऐं दीपलाई साहिब केतिरनि ग़रीबनि खे मदद कई, पाण बि ग़रीब रहियो। हुन गुरबत खे अहमियत ॾिनी त ग़रीब माण्हू केॾो ख़ुदार हूंदो आहे। इन लाइ जहांगीर बादशाह सैफला खे चवे थो, मूं तोखे उन लाइ इन लाइ नवाब बनाए कोन मोकिलियो हो त तूं खिली त हज़ारनि खे रुआरे खिली, तूं हली त लाशनि खे लताड़ींदो हली, तूं खेॾी त रैयत जे खून सां खेॾी। तोखे नूरजान जे पुट हुअण जो फ़ख्रु आहे त इंदर खे मुंहिंजे पुटु हुअण जो फ़ख्रु आहे। कसम आहे मूंखे ख़ुदा जो त रैयत मुंहिंजा बचा आहिनि, हू ग़रीब आहिनि त बि मुंहिंजा आहिनि। अहिड़ी रीति हुन जे सभिनी नाटकनि में तव्हां जेके मुकालमा ॾिसंदो, हिकिड़ो त हुन में सिंधी नसर जूं जेके ख़ूबियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ उन्हनि में जेको मक़सदियत आहे ऐं जेको उन जंहिं जे शाहिदी ड्रामो जेको आहे सो कोर्ट में हिकिड़े कूड़ी शाहिदी ॾींदड़ शाहिद जे शख़्सियत जो अहातो करे थो, जंहिंमें दीपलाई साहिब इहो थो ॼाणाए त कूड़ी शाहिदी ऐं कोर्ट में हिरफ़तूं, अटकलूं ऐं पेशावर शायदि जेको आहे सो जंहिं कंहिं धुर खे ॾिठो बि कोन हुओ, पर उहो कहिड़े नमूने जवाबु थो ॾिए जो कूड़ खे सच थो करे वञे ऐं उन सच खे माण्हू सची था सम्झनि, उन कूड़ खे सच था सम्झनि। शायद खां अदालत में पुछियो वञे थो त रईस कॾहिं जेल खाधी आहे, शायदि चवे थो साईं अॼुकल्ह मुल्क जो कहिड़ो चङो मुड़ुसु ऐं सुधारे जी चाइना रखंदड़ माण्हू आहे जंहिं जेल न खाधो हुजे। ही पीर ॾिसो, ही मीर ॾिसो, ही वज़ीर ॾिसो, ही लीडर ॾिसो, ही देश भगत ॾिसो, ही मोबाने वतन ॾिसो, ही ख़ादमे ख़लक ॾिसो, सभु पिया जेल वञनि। हाणे हुनखे ॿुधाइणो कोन हो त मूं ॾिठो आहे या न, पर ॻाल्हि खे ठाहिण इहो तंज़िया ऐं मिज़ाहिया ड्रामो आहे। ऐं निजूमी जेको आहे जेके मत मोड़ियल असां वटि हर ॻाल्हि जो हल वठणु वेंदा आहिनि पीरनि तावीज़नि खां, निजूमियनि खां, मौलवियनि खां, उन ते चोट आहे। हिकिड़ो निजूमी जंहिंजो भाणे जो गुम थो थी वञे पर उनखे उनजो पतो नथो पवे, पर केतिरा माण्हू वञनि था उन वटि पैसा लुटाए ऐं सम्झनि था त हीउ निजूमी जेको आहे सो असांजी मदद कंदो, ऐं उनजो भाणे जो करीम जेको आहे उनखे बि हू सेखारे थो त निजूमत हीअ अथई।
त इमामदीन नालो हूंदो आहे हिन जो जुमे जो। हाणे उहो छा इपलाई सां पैगाम थो ॾिए त इमामदीन चवे थो जेको शख़्स मालिक खे छॾे वञी माण्हुनि खे आलमुल ग़ैब सम्झी सवाल करे उनखे बूंडो साम्हूं न हूंदो त ॿियो छा हूंदो। हित बि बूंडा त हुत बि बूंडा, बचा सम्झूं था पर पेट भुखे खे पूरत करणी आहे। हाणे इपलाई साहिब हिन में हिकु सचे मुस्लमान जी शिरक खां पलियो आहे। फालू टिफणा डोरा तावीज़ निजूमी मुर्शिदनि जा अमल संदसि मुजिब त ईमान खे कमज़ोर करण लाइ ऐं शैतानियत खे तकवीत ॾियण लाइ, जिन सां माण्हू बेअमल थिए थो, नाकारा थिए थो, सुस्त थिए थो, वेसा जो विसूड़ियल थिए थो। हुन चाहियो त सिंधी क़ौम बाहिमत हुजे ऐं बुज़दिल न हुजे, ऐं जेके हीअ तरीक़ा आहिनि हिन सां उहा बुज़दिल थींदी। इन जे करे सभ खां घणो हुनजे लिखणियुनि में मुर्शिदनि ऐं पीरनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे। ऐं ॾिसो डिप्लाई साहिब खे केॾी इस्लाम जी नॉलेज हुई, जंहिं हुन करीम चवे थो त ज़मीन ऐं आसमान जूं टुॿियूं मामा उहे छा हणंदा जिन जा भाणे जा गुम थी वञनि त पतो न पवेनि, पर भलो थिए भूकनि जो जे पूॼण ते अचनि त गऊं खे बि ख़ुदा बनाइनि ऐं वरी बिगड़नि त ख़ुदा जे नबीअ खे बि फाई चाढ़े छॾी। इहे सूरत बकर जूं आयतूं आहिनि। हाणे सूरत बकर में गऊं जे पूॼण वारो वाक़ियो लिखियलु आहे, हज़रत ईसा अलाम जे फांसीअ जो वाक़ियो आहे। ऐं इहो सॼो डिप्लाई साहिब क़ुरान पाक तर्जुमो कयो हुओ। हुनखे ख़बर हुई त शिरक छा आहे, हुन शिरक जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथियारियो। ऐं वन यूनिट जेका आहे तंहिंजे ख़िलाफ़ डिप्लाई साहिब मुज़ाहिमती अदब तख़लीक कयो। संदसि ड्रामो ॾुकार, थर में ॾुकार पवे थो, जंहिंखे वन यूनिट जे दौर में मदद नथी थिए थर जी, उहो ॾुकार खे डकार त करे वठनि। इहो तंज़िया ऐं मिज़ाइया ड्रामो आहे। हिन नाटक में मरफत डिप्लाई साहिब सिंध जे ॾुटड़ियल हालतुनि जे निशानदेही कई आहे, वन यूनिट जे ख़िलाफ़ लिखियो आहे। ऐं हुन जेका मुज़ाहिमती तहरीक हलाई त अज़ीम पंजाब सिंध खे कीअं जेको आहे मज़हब जे आड़ में जेको मातहत करे रखियो, सॼो हुन जी मक़सदियत जेका लिखण जी आहे उहा आहे इंसानियत। इन जे करे डिप्लाई साहिब इंसान रिसालो कढियो ऐं उन में हुनजो मक़सदु इहो हो त सिंधी क़ौम इंसानियत उन्हनि जो भलो थिए। ऐं उन सॼे अदब में लॻे ईअं थो, यानी असां ग़ौर करियूं त हिकु मज़बूत सान्यावंद ऐं बेदार शख़्स मौजूदु आहे, जंहिं मुज़ाहिमती अदब तख़लीक़ कयो, समाज जे भले लाइ कयो, सिंधी समाज जे बुनियादी मसलनि खे परखियो, परोड़ियो, असांजे अॻियां आंदो ऐं दुनिया जे हर समाज जे मुश्तरिक क़दुरु यानी इंसानियत ऐं इंसानियत खां पोइ इंसान ज़ात जो भलो, इहो ई संदसि लिखणीअ जो मक़सदु हो, जेको हुन पंहिंजे नाटक में बांधो आहे। ऐं हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि असां सभिनी जो मोहतरम ऐं वॾो उस्ताद साईं अंग्रेज़ी सां गॾोगॾु सिंधी जो बि ओतिरो ई ॼाणो आहे ऐं सिंधी ॿोली ते इलाही कमु कयो अथसि। ऐं गुज़ारिश कंदुसि साईं कलंदर शाह लकियारी खे तव्हांजे भरपूर ताड़ियुनि में त उहो जी पंहिंजो ख़्यालु वीचार वठे। मूंखे ॾाढी ख़ुशी पई थिए, तव्हां इंतिहाई अहसानमंद आहियां साहिब जो जिन मूंखे मौक़ो ॾिनो त आउं नरगो इहे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधी सघां ऐं उन ते पंहिंजा वीचार वंडे सघां। असीं समूरा सिंधी सिंध जी सिंधी अदब जे सिंधी ॿोली जे अॾींदड़नि जा अहसानमंद आहियूं, जिन में वॾो नालो साईं मोहम्मद उस्मान डिप्लाई जो बि आहे। साईं डिप्लाई असांखे पढ़णु सेखारियो, इहो इहा वॾी ॻाल्हि, इहो मूं ते ज़ाती तौर ते अहसान आहे जो असां हुन जा नंढा नंढा किताब ट्रैक्स जेके हुआ से सभु असां पढ़िया ऐं असांखे पढ़ण जी आदत पई। नंढपण खां वठी असां पंहिंजी ख़र्ची बचाए करे इलाही किताब वठंदा हुआसीं ऐं हर किताब सां गॾु बिज़नेस रिप्लाई कार्ड बि हूंदो हो, जेको रुगो भरे बिना टिकली हणण जे ऐं टपाल में मोकिले छॾिबो हो त उहो किताब अची मिलंदो हो, ऐं ॾाढा सुठा सुठा किताब हुआ जेके इहे थिया। हाणे समाज जे असीं सभु समाज जी पैदावार आहियूं, समाज असां ते मुहित आहे ऐं उन समाज को सुठो इदारो कोन्हे को, उन में घणियूं कोताहियूं आहिनि, खामियूं आहिनि, ऐं उन्हनि खे खामियुनि खे दूरि करण जे लाइ, खामियुनि जी निशानदेही करण जे लाइ असांजे अदीब जो, असांजे अदीब ऐं लिखंदड़ तमामु वॾो हिसो अदा कयो आहे ऐं असांजे फ़क़ीरनि ऐं सूफ़ियुनि जेको हिन ते तमामु वॾो हिसो अदा कयो आहे। असां कोशिशि इहा आहे असांजी त असां पंहिंजे उन मुआशिरे जे जिन जिन ख़ूबी खामियुनि ॾांहुं उन्हनि इशारो कयो आहे, जिन ते उन्हनि तनक़ीद कई आहे, ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि खे असां तवजो ॾियूं
ऐं उन्हनि खे उहो बुराइनि खे जहिड़े नमूने में उन्हनि माण्हुनि इहो कढण जी कोशिशि कई आहे, जेतोणीकि 100% तामीर कान्हे थी सघंदी, ऐं तॾहिं बि असां कोशिशि त इहा कंदासीं। असांजा कंटेम्प्ररी मुआशिरा अहिड़ा आहिनि जिन खे चङियूं चङियूं ॻाल्हियूं करे पंहिंजे मुआशिरनि में विधियूं आहिनि ऐं हुननि बुराइनि खे ख़तमु बि करे छॾियो आहे या घणे हद ताईं घटाए छॾियो आहे, पर तॾहिं बि अञा ताईं असांजे इंसानी मुआशिरे में, छो त असांजो समाज अञा ताईं उते जो उते बीठो आहे, उन शकिल में बीठो आहे। इर्तिका थी आहे, असां उन जूं कुझु तब्दीलियूं आंदियूं बि आहिनि, पर उन जे बावजूदि उन जूं उहे जेके ऊणायूं आहिनि या बुरायूं आहिनि से पंहिंजी जाइ ते क़ाइमु आहिनि। त असां सभु गॾिजी सॼी करे ऐं उहे सभु कयूं, ऐं साईं जेको नसर जो हिकिड़ो रोल मॉडल रहियो आहे, असांखे सुठी सिंधी लिखणु सेखारी साईं। साईं सफ़ा सुठी सिंधी में लिखियो, पाण असांखे उन जा मॉडल्स पेश कयईं ऐं उन ते ई असां जेको सो अॻिते हली असां पंहिंजे अदब जी जेका इमारत आहे उहा अॾी आहे ऐं उनखे अॾींदा रहंदासीं। ऐं बहितर आहे त हाणे साईं जा घणा किताब खोड़सर आहिनि जेके मार्केट में कोन आहिनि, के असां जेकॾहिं हिन ट्रस्ट खे ऐं साईं मोहम्मद अली खे इहो अर्ज़ु कयूं त उहे किताब गॾिजी हिकिड़े नंढड़ा नंढड़ा ट्रैक्स हुया जेके उहे गॾिजी कंहिं हिकिड़े वॾे जिल्द में छपराइजे, ऐं उन में आउं सम्झां थो असां सां सकाफ़त खातो ऐं ॿिया जेके इदारा आहिनि से बि मदद कंदा, पर जेके न बि कनि तॾहिं बि साईं जा आशिक़ एतिरा घणा आहिनि ऐं सिंधी ॿोलीअ जा सिंधी अदब जा एतिरा आहिनि ॼाणू या उन जी बहितरी सोचींदड़ सम्झींदड़ माण्हू आहिनि जेके उन ते ज़रूरु मदद कंदा। त मां हिकिड़ो ऐलान करे ॾिसो त सिंध जा माण्हू जेके से अॻिते ईंदा दामे दर में कदमे सुखने जीअं बि चवनि था तीअं सभु मदद कंदा, ऐं उहे किताब आहिनि जेके असांजे नए नसल जे साम्हूं कोन आहिनि, के बहितर आहे त उहे सभु किताब छपे छपराइजनि ऐं नए नसल जे साम्हूं आणजनि त इहो वॾी ख़िदमत थी पवंदी। इहे लफ़्ज़ चए ऐं पंहिंजी जाइ वठां थो। महिरबानी। हीउ प्रोग्राम टीवी चैनल्स रिकॉर्ड करे विया, पर सॼो प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन में रिकॉर्ड करे पियो ऐं सॼो सॼो उतां ईअं ई हलंदो जीअं रिकॉर्ड थिए पियो। त डायरेक्टर जेको सिंध जो आहे उहो आहे जाफ़र मेमण, असीं हुनखे वेलकम कयूं था। चाचो इसाक मंगरियो वेठो आहे, हुनखे वेलकम कयूं था। ऐं हाफिज़ निज़ामाणी वेठो आहे, आउं चाहींदुसि त साईं खां को गीत ॿुधूं या को शायरी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐं नको ॿुधाइण जे हवाले सां आयोसि, मुंहिंजी साईं मोहम्मद उस्मान सां अक़ीदत हुई। साईं जा हाणे ॿ किताब पढ़िया, कलाम पाक जो तर्जुमो ऐं वरी ख़ाली तर्जुमो, सांगड़ नावेल। ऐं साईं जे नाले खां इलाही मुतासिर हुउसि। ऐं नंढड़ो शहर चई पंहिंजी जॻहि वठंदसि। असीं न कंहिंजी अचर पचर में अदल खां आहियूं अधूरा माण्हू, असीं न कंहिंजी अचर पचर में अज़ल खां आहियूं अधूरा माण्हू, असांजूं झोलियूं जबर सां भरियल असांखे ॾिसंदे कमल कुमाणू। असीं न कंहिंजी अचर पचर में, परे ई मुंहिंजा पसाह वेंदा, उते बि मूंखां पुछा जे थींदी, उन्हनि खे चवंदो त उतां अचां पियो जिथे त सच थिए घुमे थो घाणू। असीं न कंहिंजी अचर पचर में अज़ल खां आहियूं अधूरा माण्हू, मुंहिंजो जियापे वारो जहान आहे या हिते बि कंहिंजी ग़ुलामी हूंदी, जियापे वारो जहान आहे या हिते बि कंहिंजी ग़ुलामी हूंदी, हुतां जो बाग़ी हिते आ पहुतो, हिते त नाहे गुजे न थाणो। असीं न कंहिंजी अचर पचर में अदल खां आहियूं, अरे सलिया न कंहिंसां ॻाल्हि सची, ऐं हिते बि मूंखे गुमान आहे, सलियान कंहिं सां ॻाल्हि सची आऊं, हिते बि मूंखे गुमान आहे, मता उतां जो अची न पहुचे जिथां मुंहिंजो ई रूह उॾाणूं। असीं न कंहिंजे अचर पचर में अज़ल खां आहियूं अधूरा माण्हू, हयाती पूरी हया में गुज़री मगर हरामी तॾहिं वाऊं, हयाती पूरी हया में गुज़री मगर हरामी तॾहिं बि आऊं, इहा त हालत सठी पिया हाफ़िज़ तॾहिं हुतां तद कयो हलाणो। असीं न कंहिंजी अचर पचर में अज़ल खां आहियूं अधूरा माण्हू, असांजूं झोलियूं जबर सां भरियल असांखे ॾिसंदे कमल कुमार। महिरबानी। फरमाश आहे इहा सिंध मुंहिंजी घटि कोन्हे, पर यार पाण किरियो वेठा आहियूं। मूंखे हाणे हिकिड़े माण्हू जो फोन कई उमिरि तां मदीने पाक मां, मूंखे जी मुगा हाफ़िज़ साहिबु तव्हांजो शहर यादि पियो, मूं तॾहिं तोखे फोन कई आहे।
मूंखा शइ ते वरिती ऐं उते हुन माण्हू मूंखे कंधी ॾिनी हुन जेका सुठे में सुठी हुजे हुन कंधी ॾिनी चई हीअ सिंध जी शइ आहे ऐं मूंखे चई मूंखे तव्हां यादि पिया ऐं उमिरि ते वियोसि उते दोस्तनि मूंखे जेको आहे ॿटीह मुला मूंसां गॾु आहे हिकिड़ो मूंसां गॾु हींअर बि आयो आहे उनजी महिरबानी अञा मूंसां निभायो आहे मूंखे चयूं कामरेड सिंध सिंध करे मां आयो मदीन इहो सही मुंहिंजे यार मके ऐं मदीने जो को मटु कोन्हे मगर सिंध मुंहिंजी मूंखे का घटि कोन्हे मको ऐं मदीनो अक़ीदत जो पायो मूंखे सिंध सां इश्क़ आहे सवायो अड़े मथो हणंदा मुला मूंसां तूं अजायो मुंहिंजी दिलि ते तुंहिंजो चढ़ियो कट कोन्हे मके ऐं मदीने जो मटु कोन्हे पहिरीं काव्य क़िबले जो कलमूं सिखां थो पोइ सिंध लाइ गीत सोणो लिखां थो ॿिन्ही लाइ हुब ऐं हिकिड़ी रखां थो ॿियो मामिलो को बि मूं वटि कोन्हे मके ऐं मदीने जो को वटि कोन्हे को हाफ़िज़ जे पोयां हले न हले को हाफ़िज़ जे पोयां हले न हले न को मुंहिंजे रस्ते तां मूंखे झले असां त उहो ई थो अहमक खिले जेके इश्क जो को लॻो झटि कोन्हे मके ऐं वधीने जो को मटि कोन्हे मगर सिंध मुंहिंजे कंहिंखां घटि कोन्हे महिरबानी दादी हाफ़िज़ साहब खे जेका वाह वाह थी हुन खां पोइ ऐं गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी खे गुज़ारिश कंदुसि हू पंहिंजो मकालो या जेको बि हुननि लिखियो आहे उहो हिते पेश कनि तव्हां सभिनी जे साम्हूं तव्हांजे ताड़ियुनि में गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी मोहम्मद उस्मान रिप्लाई हिकु बेबाक सहाफ़ी सचो ऐं खरो नक़ाद रोशन रोशन ख़्याल तरक़ी पसंदि मोहबतन ऐं नामेरो नावल निगार हो हिन मुख़्तलिफ़ मौज़ुअनि ते 150 खनि किताब ऐं समय मज़मून लिखिया हिन समाने खाका नावेल ख़त नवीसी लतीफ़ियात तारीख़ लसानियात ऐं दीनियात जे हवाले सां वॾो कमु कयो संदसि किताबनि में नूर तौहीद सांगड़ ऐं संगदिल शहज़ादी इनकलाब ईरान अमड़ नावेल जेको मैक्सम गोरकी जो तर्जुमो कयो मुर्शिद जी पगड़ी आख़िरी सबक़ु मुसलमाननि जो बादशाह कांग्रेस ॼार कांग्रेसी ॼार कोरट नाटक रूम जी राणी गाज़ी सलाहुद्दीन चीन जो चंड ऐं ॿिया किताब हुन जा जेके आहिनि उहे शामिलु आहिनि रिप्लाई साहिबु शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो रिसालो जेको आहे उहो पॉकेट साइज़ में तरतीब ॾेई ऐं शाह जे चाहींदड़नि में वॾो मान मर्तबो माणियो ऐं सहाफ़ती मैदान में पिणु रिप्लाई साहिबु पाण मञरायो ऐं सिंध जे मरूफ़ रोज़नामनि में बुनियादी मोहरकनि में साईं जेको आहे सो इबरत जेका बाद में हफ़्तेवार थी ऐं पोइ रोज़ानी इख़बार जी सूरत में हिन वक़्तु ताईं हलंदड़ आहे उहे शुरू कयूं रिप्लाई साहिबु सिंधी अदब ऐं सहाफ़त में हिकु मोतबर शख़्सियत तौरु ॼातो ऐं सुञातो वञे थो ऐं मोहम्मद उस्मान रिप्लाई साहिबु 13 जून 1908 ते थर जे हिकु नंढिड़े ॻोठ डीपले में जनम वरितो ऐं सिर्फ़ु प्राइमरी तालीम ताईं हू पढ़ी सघियो ऐं तालीम हासिल ओतिरी सिर्फ़ु प्राइमरी करे सघियो ऐं पोइ रोज़गार ख़ातिर जेको आहे हू सिंध जे जेके ज़मीनदारनि हुन ते मुंशगिरी कई ऐं हुन पंहिंजे जेको ज़िंदगी में मुशाहिदो कयो उन ते उहो सचो ऐं खरो इंसान हो जंहिं हुन ते पंहिंजे कलम सां हुनखे लिखियो ऐं उनखां पोइ हुनखे इलाही सच लिखण ते हुनखे केतिरा ई जेको हुन जा किताब जेके आहे उहे ज़ब्त कया विया ऐं खेसि 3 दफ़ा जेल मोकिलियो वियो ऐं हुन जेल बि कटिया हिन सहाफ़त में ऐं हिन अशायती इदारनि जी जेका शुरूआति कई उहा 1935 में कई ऐं मीरपुर ख़ासि में पंहिंजे अशायती इदारे इस्लामिया दारुल अशाद जो क़याम विधो ऐं उनखां पोइ हैदराबाद में उनखे आंदाई ऐं डीपलाई साहिबु अवाम में सुजाॻी ऐं जागरता पैदा करण लाइ मुसलसिल 40 साल जेको आहे सो कलमी पूरियो कयो रिप्लाई साहिबु इस्लामिया दारुल इरशाद खां सवाइ इदारा इंसानियत इदारा लतीफ़ी इस्लामिया प्रेस ऐं क़ुरान प्रेस इदारा पिणु क़ाइमु कया ऐं संदसि छपियल किताबनि में नावेल जेको सांगड़ ऐं नूर तौहीद जहिड़ा उन असांखे लाफ़ानी नावेल ॾिना मोहम्मद उस्मान रिप्लाई खे उन्हनि किताबनि ते मञता तौरु पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड पारां 1993 में बहितरीन नावल निगार जा एवार्ड ॾिना विया ऐं रिप्लाई साहिब खे जेको औलाद हुओ 6 नियाणियुनि जो औलाद हुओ ऐं 4 पुटनि जो औलाद हुओ जिन में संदसि नियाणियुनि में मलकाया तरनम आशिया खानम फातिमा फरहत प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अख़्तर ज़ीनत यासमीन ऐं
زرتاج شامل ہیں جن پٹن میں محمد ہارون، محمد صالح، محمد علی ڈپلائی صاحب، عبدالرحمان ڈپلائی، ڈاکٹر حبیب اللہ شامل ہیں، جڑے تو سندس چھ ہی نیانوں جے ہیں سو وفات کر چکی ہیں، ٹے پٹ وفات کرے ویا، باقی ایکڑو پٹ جو سائیں محمد علی ڈپلائی صاحب ہے اصل وچ میں موجود ہے، وہی جو سائیں جو چھڈیل مشن ہے ان کے پورے کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، ہر سال جو سو محمد عثمان ڈپلائی صاحب جی ورسی ملانے کے لیے رابطہ بھی کرتا ہے، ان عمر میں ان کے شابس ہے اترو سارو کم کرے پی، باقی سندھی ادب میں تمام وڈو نالو کمائندڑ جا سریا سوز ڈپلائی ہوئی، وہ بھی سائیں محمد عثمان جی نیانی ہوئی، ان بھی وڈو نالو کمایا، ڈپلائی صاحب جی پوری زندگی جا ہے عملی طور پہ مزاحمتی ادب جی ادب کے ترجمان، ایک بے باغ صحافی، نقاد، محقق، عالم ادیب، دانشور طور گزری، جا اساں جے لئے خوشی جو باعث ہے، سندھ جے نے عظیم خدمتگار 7 فروری 1981 تے وفات کئی، سندس وفات کا پوئے ادب کے شعبے میں نمایاں خدمت سر انجام دین کے اعتراف طور صدر اسلام جمہوریہ پاکستان طرفا کھیس صدارتی ایوارڈ جو ہے حسن کارکردگی جو ایوارڈ دنو ہو، ان کی منتا جا ہے وہ اج ان کے 36 سال ان کی وفات کے گزری ویا، پر اساں جے لئے ان جو کردار ایترو معتبر مانائتو ہے جو اساں ایترا مانو گد تھی کرے اج ان کے خراج تحسین پیش کیوں تھا، محمد عثمان ڈپلائی صاحب جو جے خدمتوں ہیں یا جے ان کتاب لکھیا ان کتابن تے پابندیوں پیوں وہ وی ہن ہاں جڑا اڑو دور اچھی اور اساں کے کچھ آزادی ملی ہے تو ان جا تازو کتاب بھی جے پابندی پہلا وہ بھی چھپیا مارکیٹ میں آئن موجود ہیں، چھاکان تو وہ ایکڑو سچو انسان ہو جن کے کرے وہ جے کچھ دسندو لکھندو، پر ہن دور میں جے کچھ تھے پیو جے کرے محمد عثمان ڈپلائی صاحب ہو جے ہاں تے ان تے پانجو سچائی سان قلم کھڑے ہاں، اج اساں اتے سب گڈ تھیا ہوں ان کے خراج تحسین پیش کرن لئی تو ان جو ایکڑو شعر پڑھی پانجی جائے وٹھنس، تے ہی چوٹی چوٹی تے مشل ہی جھولی میں گل گل پھل ویا سانول چھا چھا سنگ چھڈے چھا جندڑی کے جرکائے ویا چھا چھا جندڑی کے جرکائے ویا تا سبھی دوستن جی وری مہربانی۔ یو غلام مصطفی سولنگی، ہانے اساں وٹ سندھیت بھی سنگت پارا محمد عثمان ڈپلائی ایوارڈ ہیں، سائیں ایوارڈ ہے بہترین ناول نگار جو، ایوارڈ ڈجے تو لاشک بہترین ناول نگار ہے سائیں غلام نبی مغل صاحب کے، سائیں مغل صاحب ہی ایوارڈ وٹھندا، سائیں رسول بخش پلیجے صاحب کی گزارش کردا سی تو وہ ان کے ایوارڈ سے نوازے، سائیں غلام نبی مغل صاحب کے محمد عثمان ڈپلائی ایوارڈ بہترین ناول نگار کے طور پہ، محمد عثمان ڈپلائی یادگار ایوارڈ ریڈیو پاکستان سا حیدرآباد سا متعلق بہترین ادیب اسانجو ڈرامہ نگار سائیں زیب سندھی کے لیے ایوارڈ ہے بہترین ڈرامہ نگار جو ایوارڈ، ڈراما رائٹر جو ایوارڈ ہے سائیں زیب سندھی کے لیے، اور گزارش کرس سائیں حمید سندھی کے تو وہ ان ایوارڈ سے سائیں زیب سندھی کے نوازی، سندس خدمتوں پبلشنگ کے حوالے سے خاص طور پہ ناری پبلیکیشن کے نالے سے عورتوں جا کتاب چھاپیا مارکیٹ میں آندا، آپا نذیر ناز کے لیے ایوارڈ ہے بہترین پبلشر جو ایوارڈ، ہاں گزارش کرس سائیں غلام نبی مغل صاحب جن کے تو کھین یہ ایوارڈ ڈین، ایکڑی تاڑی تھی وجے آپا نذیر کے لیے ان ایوارڈ کے حوالے سے، بہترین ایڈیٹر جو ایوارڈ ہے ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن جو سندھ جو ڈائریکٹر جعفر میمن صاحب کے لیے یہ ایوارڈ ہے، ہاں گزارش کرس اسانے ان بے باغ صحافی ایڈیٹر سائیں جعفر میمن صاحب جن کی گزارش کرس مت اسٹیج سے اچن، سائیں سائیں جامی چانڈیو صاحب جن ہی ایوارڈ ان کے ڈیندا، محمد عثمان ڈپلائی یادگار ایوارڈ بہترین ایڈیٹر سائیں جامی چانڈیو صاحب جن ہی ایوارڈ دے رہا ہے، تاج تاڑیو ایوارڈ ہے بہترین رسالے جی ایڈیٹر جو رسالو ہے ہمسری ان کی ایڈیٹر ادی زاہدہ ابڑو کے گزارش کرس اچھی ایوارڈ وٹن، سائیں رسول بخش پلیجو صاحب جن کی گزارش کرس تو وہ ایوارڈ
हदी जाहिद आपड़ो कली साई साई गुलाम नबी मुगल साई रसूल पलीजो साहब जन ये अवार्ड दींदा मोहम्मद उस्मान डीप लाई यादगार अवार्ड है बेहतरीन कंपेयर के लिए बेहतरीन कंपेयर अस रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक है साई जुल्फकार हिस्पानी जो गुजारिश कद साई जुल्फकार हिस्पानी साहब जिनके तू अचन ये अवार्ड वन अवार्ड लाए गुजारिश कस असाजे साई गुलमोहद उमरानी साहब जिनके तू खेन अवार्ड दिन बेहतरीन टीवी एंकर न्यूज एंकर जे जो अवार्ड है ताहिरा वजीर साहब केटीएन न्यूज से उन तल्लुक है गुजारिश कस तू अचन अवार्ड के लिए गुजारिश कस साई गुलाम नबी मुगल साई जामी चांडियो साहब जिनके तू खेन अवार्ड दिन अवार्ड है बेहतरीन मुजस्मा साज जो फकीरो फकीर साई फकीरो फकीर साहब जन आन बुत तराश आज टीवी जो है असो दोस्त वसीम खान के गुजारिश है तो अची अवार्ड दींदा साई हमीद सिंधी साहब जन मोहम्मद अली रिंद केटीएन से तल्लुक है साई जन जो उनको अवार्ड अग में सिंधरानी अवार्ड हो जो को उनको रहल है असी चाहूँ था इन ही तकरीब में उनके अवार्ड दूँ मोहम्मद अली रिंद साहब हैं साई गुलमोहद उमरानी साहब जन इनके अवार्ड दींदा जोगियड़ा जहान में नूरी ऐं नारी जोगियड़ा जहान में नूरी ऐं नारी बरी जिन बारी आ उन जींदी हुनरे तकरीब पंहिंजे आख़िरी लम्हनि ते वधी रही आहे ऐं गुज़ारिश कंदुसि साईं मोहम्मद अली डीपलाई साहब जिन खे त उहो अची पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि तव्हां सभिनी जी भरपूर ताड़ियुनि में तकरीब हिकिड़े पासे वरी ॿिए पासे हली वई तव्हां साईं मोहम्मद अली डीपलाई साहब अवां सभिनी जे अचण जे करे असांखे वॾी हिकिड़ी हथी मिले थी त पंहिंजी जदोजहद में थकिजूं न बल्कि हिनखे क़ाइमु रखूं ऐं ख़ासि करे मोहतरम पलीजे साहब जो इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां जंहिंजे इन पीढ़ीअ में जेको जोश आहे ऐं ॻाल्हाइणु उनखे ॾिसी असां ईअं सम्झंदा आहियूं त असां त हीअ ज़िंदगी पंहिंजी एतिरी कारामद कोन करे सघियासीं अलाह साईं खे वॾी हयाती ॾिए ॿिया सभु दोस्त असांजा महिरबानी तमामु सुठा वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जो वक़्तु कोन वठंदसि हाणे मूंखे इहो ख़्यालु थिए थो त केतिरियूं ॻाल्हियूं रिपीट थियनि थियूं ऐं शायदि के मुंहिंजा ख़्याल असांजा ॿिया दोस्त बि पंहिंजे तकरीरनि जो ऐं मज़मूननि जो हिसो करे चुका हूंदा हिकिड़ी ॻाल्हि जंहिं ते हाणे जेको आहे सो न सिर रोशनी अचे पई डीपलाई साहब जे शख़्सियत जे बारे में उनजो थोरो ज़िक्र कंदसि त डीपलाई साहब खे घणो करे प्रोजेक्ट कयो वियो आहे एज़ ए राइटर या एज़ ए सहाफ़ी या ड्रामे नवीस पर हक़ीक़त में इहे सभु शयूं जॾहिं हुनजी शख़्सियत जो माण्हू जाइज़ो वठे थो इहे ज़मीनी शयूं आहिनि असल में हू हिकिड़ो बेचैन रूह हो जंहिंजी सॼी ज़िंदगी इन में हुई त कीअं पंहिंजे माण्हुनि खे इमेंसिपेशन कराइजे कीअं वधाइजे पोइ इन जज़्बे तहत हुन कलम हथ में खयो ईअं कोन हो त को पहिरीं लिखण वारो हो पोइ जज़्बो थियो पहिरीं जज़्बो हो त पंहिंजे माण्हुनि जे पासे छा कजे कीअं पंहिंजे सिंधी मुस्लमाननि खे पंहिंजे शानदार माज़ी खां वाक़ुफ़ु कजे जीअं उथीनि जीअं पाण हू उथियनि अॻिते वधनि कीअं हारियुनि जो हक़ जी ॻाल्हि कजे कीअं ग़रीबनि जे हक़नि जी ॻाल्हि कजे ऐं पोइ जॾहिं ॾिठई पिए त हाणे वञणु ठही वियो ऐं सिंधी जेके आहिनि से हाणे किथां वञनि त सॼी दुनिया जो जेको इनकलाबी लिटरेचर हो चाहे कोरिया जो हुजे चाहे चीन जो हुजे चाहे हिंदुस्तान जो हुजे हिंदुस्तान जी सॼी तारीख़ हुजे तुर्कीअ जो हुजे जापान जो हुजे इन्हनि सभिनी इलाइक़नि में जीअं जीअं असली बाशिंदनि क़ाबज़नि जे ज़ुल्म जो मुक़ाबले करण वास्ते हुननि कहिड़ा कहिड़ा तरीक़ा इस्तेमालु कया उहे तरीक़नि खे सिंधी मुस्लमान जे अॻियां पेश कयईं त बाबा हे रस्ता अथव तव्हां हिन ते अमल करे सघो था अॻिते वधी सघो था हाणे इन्हनि मौज़ुनि ते ॿिया दोस्त मुंहिंजे ख़्याल में तयारी काफ़ी करे आया आहिनि पर डीपलाई साहिब जो जेको इहो पहलू आहे सो हुनखे सिंध जे समूरनि अदीबनि खां अलॻि हिकिड़ो क्लास में रखे थो हुन को सिंधी ॿोली खे सिंगारण वास्ते कमु कोन कयो हा हुन सिंधी ॿोली खे तमामु सवलो कयो इन वास्ते त आम माण्हुनि ताईं जो मैसेज पहुचे पर हुनखे कॾहिं बि इहा शौक़ु कोन हो त पंहिंजो पाण खे अदीब जे कैटेगरी में आणे अदीब साबित करे त अदीब हुजणु बि हिकिड़ो ज़रियो हो जीअं टॉलस्टॉय हिकिड़ो
बुनियादी तरह सां वॾो माण्हू हो, हुन पंहिंजे माण्हुनि जे वास्ते जदोजहद कई पई, इन करे हुन कलम खयो। हुन पंहिंजे कलम खे पंहिंजी मशहूरी जो ज़रियो करणु कोन थो चाहियो, बल्कि पंहिंजे ख़्यालनि जे इज़हार जो ज़रियो कयो थे, ऐं इहा ई हुनजी अज़मत बि आहे। इन हद ताईं जो हुनजो जेको अज़ीम तरीन नावेल ऐना करीना, उनखे त केतिरनि सालनि ताईं नक़ादनि नावेल ई तस्लीम कोन कयो। पोइ ख़बर पई त हिते पंहिंजो सदीअ जो वॾे में वॾो नावेल आहे। त इहे एॾियूं वॾियूं शख़्सियतूं आहिनि जंहिंजे कद ऐं काठ खे मापण जे वास्ते सदियूं खपनि थियूं, ऐं इनशाला उहा सदी डीपलाई साहिब लाइ ईंदी। महिरबानी तव्हांजी। माणक मिट संदो, माणक मिट संदो ऊंधाईअ में सोजरो, हशर वेले हिसाब में छॾे न वेंदो हुउमि, सारियो सॾु कंदो हुउमि, कोहारो केच धणी। ऐं साईं पलीअ साहिबनि खे वञिणो आहे शायदि, त ऐं माइक हींअर जेका आहे ट्रांसफर थो कयां। साईं उते ई वेही ॻाल्हाईंदा। साईं रसूल बख़्श पली जो ऐं तव्हांजी ताड़ियूं। भेनरो, भाउरो, साथियो, अदीबो, दानश्वरो, जीअं सिंध, जीअं असांजी अकबर जदोजहद। अॼु तमामु वॾो ॾींहुं आहे। अहिड़ो ग़ैर मामूली माण्हू सफ़ा सिंध में, कुझु माण्हू ग़ैर मामूली थिया आहिनि, सफ़ा ग़ैर मामूली। उनजो ॾींहुं पाण मल्हायूं था। जेतिरा भेरा मल्हाइणु खपंदो उहो पाण कोन कयो आहे, उन ते ॻाल्हि ॿोल बि कान थी आहे, पर हीउ किताबु थियो आहे, इहो फस्ट क्लास आहे। ऐं डीपलाई साहिब जी शख़्सियत जो राज़ हुनजे क्वांटिटी में बि आहे, पर क्वालिटी में बि शइ आहे। हाणे किताब लाइ लिखियां, फस्ट क्लास लिखियां, पर हिकिड़ी ॻाल्हि हिन शुरू कई ऐं उन सां कॾहिं बि कोन हटियो। अव्वल पॉइंट हुनजी उहा हुई, मुमकिन आहे तमामु ग़लति हुजां, मूंखे दुरुस्त कयो, पर मुंहिंजे ज़हन में सदाईं रिप्लाई जी माना इहा हुई त माण्हू मज़हब जे नाले में ग़ुलाम न थियनि ऐं पंहिंजे अकुल ऐं दिमाग़ ऐं इंसानियत खां कमु वठनि। इहा हुई बुनियादी ॻाल्हि। आउं नंढे हूंदे करे ॿराई ॻोठ जो पैदावार आहियां, ऐं असां वटि माण्हू खे जेकी वणे सो करे उनखे चइबो चोर, बाबा हीउ चोर आहे, हीउ फलाणो माण्हू हिते चमाट हणी करंदो, हीउ छा हिते चोर आहे। सो मुंहिंजे ॾाॾे मूंखे चयो, जॾहिं आउं थोरो एतिरो थियसि, त हाणे तूं हली पढ़ मस्जिद में। मूं चयो पढ़ंदुसि कोन, तूं छा कंदे? मूं चयो आउं चोर थींदुसि। चई पियो पढ़े, पढ़ियो, सफ़ेदार थियो, हेॾा मज़ा कई। तोखे उहे तोखे मज़ा करणा कोन्हनि? मूं चयो न, मूंखे मज़ा करणा कोन्हनि, आउं चोर थींदुसि। पोइ घणो बहस बहस थियो, चई ठीकु आहे, हाणे तूं पढ़ो कुझु वक़्तु, पोइ तोखे नौकिरी मिलंदी। उहा नौकिरी तोखे नथी बणे त भरे छॾिजे। मुंहिंजो ठीकु आहे। पोइ मूं आउं ॾह पंद्रहं ॾींहं पढ़ियुसि, ॾह पंद्रहं ॾींहं आयुसि, पर मुंहिंजी तपेदारी जो ऑडर आयो कोन। मां पुछा कयो, बाबा तपेदारी जो ऑडर आयो जो आयो ई कोन, कॾहिं ईंदो ख़बर कान्हे। ॾह ॾींहं यका पढ़ियो आहियां, अञा ऑडर कोन आयो जो कोन आयो आहे। त ॾाॾा चयो त बाबा उन्हनि ॾींहंनि बसूं कोन हुयूं। ॾाॾा मूंखे पंहिंजे घोड़े ते चाढ़ियो, वियासीं मुख़्तसार पुछिया कर वटि, बसि तव्हां वादो कयो त नौकिरी था ॾियूं ऐं दफ़ेदार था करियूंसि, हिनजो ऑडर आयो कोन्हे। चई करे करे देरियूं थी वेंदियूं आहिनि, अची वेंदो। पोइ वरी बि ॾह ॾींहं ॿिया पढ़ियुसि, ऑडर आयो कोन। पोइ मूं छॾे ॾिनो। पोइ मियां जी तयब जे मकतब में पढ़ियुसि, थोरो मन वियो हो। पर मुंहिंजो ॿियो कमु धंधो जेको हो सो इहो, त मूं इहो पढ़णु सिखी वरितो, सिंधी कीअं पढ़िजे ऐं सिखी वियुसि, ऐं कहिड़ा बि किताब हुजनि ऐं सम्झी वियुसि। ऐं ॿियो त माण्हुनि जी तरक़ीद ऐं माण्हुनि जी कावड़, माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं, माण्हुनि जा राया, माण्हुनि जा मथां भर, इहे ऐं उन्हनि खे दरअंदाज़ करणु सिखी वियुसि। मूं पिनी सॼे मुल्कनि मां गॾु करे किताबनि जा हिकिड़ो अंबार पाण लिखाए छॾिया। उहो किताबु सिंधीअ में बि हुआ ऐं ॿियनि ॿोलियुनि मां तर्जुमो थी सिंधीअ में आया, उहे बि हुआ।
उहे बंगाल जे माण्हुनि जा टैगोर जा किताब हुआ, सिंधी में तर्जुमो थियल। हिते ॿिया माण्हू हुआ, उन्हनि जा तर्जुमा किताब हुआ। इंग्लैंड जा किताब तर्जुमा थी जासूसी कीअं कजे, आरसीन लोपन ऐं ॿिया जेके जासूस हुआ, ब्लैक जासूस, इहे इन्हनि जा किताब सेब तर्जुमा थिया। मूं उहे पढ़िया। मुंहिंजो धंधो हो त जेके बि शयूं ॾुखियूं हुजनि, माण्हुनि खे न अचनि, उहे आउं ज़रूरु पढ़ंदुसि। ॿी मूंखे आदत हुई माण्हुनि खे पढ़ाइण जी। सो हिकिड़े ॾींहुं असांजे ॻोठ जो चङो साहियो, अबास तूं चङो चङे जो औलाद आई, तुंहिंजे बारे में ॾाढी हिकिड़ी घटि ॻाल्हि ॿुधी अथमि। मूं चयो चाचा ॿुधायो, होला पना ॾींदो न, पर तूं नाराज़ु थींदे। मुंहिंजो बाबा कोन नाराज़ु थींदुसि, तव्हां मूंखे चओ। हा साईं, मूं ॿुधो आहे त तूं पंहिंजे छोकिरियुनि खे मतलबु मां पढ़ाइण खां पोइ सिंधी जुदा पढ़ाई थो औरतुनि खे। मुंहिंजो हा चचा, जे माईअनि खे पढ़ाई थो। मुंहिंजो हा, तोखे ख़बर न आहे। मुंहिंजो कंहिं मूंखे ख़बर न आहे, मुंहिंजो ॿुधो ई कोन्हे। तो ॿुधो ई कोन, मुंहिंजो न पुछ। हीअं करे पट सां धक हणी चई, वाह, हीअं करे हथु ॾार कई। मूंखे चयईं त छोकिरियूं इहे चारि दर्जा पढ़ी यारनि खे ख़त रखी वेंदियूं भॼी, पछा इहो कुझु कोन हूंदो। मूं फौरन जवाबु ॾिनो त साईं, जेके भॼी वियूं से अलाह खे परतियूं, जेके पाण वटि रहियूं चाहां उहे अलाह खे परतियूं। मुंहिंजो उहो अलाह आउं चवंदो आहियां त आउं ॿिनि माण्हुनि जो पाढ़ियल आहियां, ऐं यूनिवर्सिटी मुंहिंजी हिकिड़ी आहे, ॿियूं अलाई यूनिवर्सिटियूं। मुंहिंजी वॾे में वॾी उस्ताद मुंहिंजी माउ हुई, जेका यतीम हुई ऐं पंहिंजे चाचे जूं ॻऊं चाढ़ींदी हुई, ऐं ॿियूं मुंहिंजूं सोटियूं ऐं मुंहिंजी पुफियूं से बि हुयूं ऐं मासियूं बि हुयूं। मूं सॼी उमिरि लिखियो आहे त आऊं पंहिंजे माउ जो ऐं जनरली पंहिंजे माइटियाणियुनि जो पढ़ायल आहियां। शेख हयात लिखियो हो अॻे त पली जो जदोजहद में शामिलु थियो आहे। सो अजब जी ॻाल्हि आहे, पंहिंजे घर जूं माइयूं वठी जंग में शुरू थियो आहे। मुंहिंजी अजब जी ॻाल्हि कान्हे, आहे ई इहा ॻाल्हि। माइयूं ईंदियूं, माइयुनि खां सवाइ सिंध में का बि शइ थी सघे नथी। माई सा पदरबिक आहे, सा ज़लील आहे। उनजो भाउ जेको आहे सो हीअं मुछ मुछूं वटो वॾेरनि सां गॾिजी हीअं पियो हले। उनजो पुटु आहे सो गुंडो थियो, माइयुनि ते आशिक़ु पियो थिए, धाड़ा पियो हणे, माण्हू पदरबिक आहे। इहो ॿुधायो हक़ु आहे। तंहिंजे करे जंहिं समाज जी माई ताक़तवर न हूंदी, जे मौजूद तूं चयो, हज़ारे सालनि ताईं इंसान ज़ात जो पालींदड़, संभालींदड़, मुहाफ़िज़ मर्द न आहे, औरत आहे। शादियूं किथे हुयूं? छाजियूं शादियूं, छाजा मज़हब, छाजा निकाह, छाजा ॿिया? कुकड़ जो कुकड़ सां निकाह थींदो आहे छा? हे लखे मज़दूर पिया हलनि, मायरा पिया हलनि, ॿिया पिया हलनि, से निकाह वजो पढ़ियो क़ुर पढ़ियो, पोइ पिया निकाह वठनि जा। ॿकर पिया ॿकर जा ॿकरियूं पियूं जॻनि, छा आहे इहो? कुझु कोन्हे। हज़ारे साल अॻे तव्हां पढ़ियो हूंदो, तव्हां मां घणो पढ़ियो हूंदो, त जेकॾहिं माण्हू बुखिया हूंदा त वेंदा हुआ परे, त का शइ उन्हनि खे खुटी वेंदी हुई, खाधे जी का शइ न हूंदी हुई, त पोइ चवंदा हुआ त पुठियां जेके ॿ सौ माइयूं अचणु पई थियूं न, उन्हनि खे कोई खणी अचो त फ़िलहालु त टाइम पास करियूं, पोइ ॾिसंदासीं। पहिरियों सिस्टम इहो हो, पोइ औरतुनि जी माण्हू ॻाल्हि सम्झी उन खां कमु वरितो पियो। उहो आयूं, माजूदूं जीअं चयो, जीअं वियतनामियुनि चयो, त जॾहिं ॻाढ़नि वारनि वारियूं फ़ौजूं मैदान में लहनि थियूं, तॾहिं अमरीका जा वॾे में वॾा जर्नल उन्हनि खे ॾकिणी वठो वञे, जेके हे माइयूं अचनि थियूं, इहे हटंदियूं कोन। जापान जो अफ़गानिस्तान जो वज़ीर सदर, उहो मुंहिंजो दोस्त हुओ, ऐं वेंदो हुउसि उन ई। सो उनजो सालगिरह थियो, ऐं उते वियुसि त कुर्सी भरिसां हिकिड़ी माई वेठी हुई। मुंहिंजो तूं केरु आहीं? चईं, आऊं वियतनाम बि आहियां। छा? त मूं चए चर्चो करे चयुसि त मुंहिंजो ॿुधो आहे त वियतनामी फ़ौज जी कमांडर इन चीफ, नायब कमांडर इन चीफ हिकिड़ी औरत आहे। चई हा। चई पियो, तूं उहा त कान्हे? चई न, 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 बिल्कुलु न।
परियां पे आयो हु सदर चाहे मुको जो शी 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 कंदो आयो मुझे तो शायद भी शायद सी केड़ा शायद मुझे सदर आए थे जो वो शायद मु छा तो जो छा तो ही है नायब कमांडेंट चीफ जी हाँ सर के चाह कौन है हाँ आया ग्रहण तो पे सच सजे पाकिस्तान में छा दुनिया में औरत बेवा यतीम मोचण के लायक है उन्होंने यह कहो नॉर्मल गाल पर हिंसर अवामी तरीके बारे में हिंसा जम घटो किया जो हि हजार की तादाद में मार्शल लॉ के सामू बीछू आन मैदान में बीछू आन बढ़न पे जोश पे दिखारे जेल में वन प्यूं उन दास्तान घड़ा चाहिए बुधा सब बुधा ये अवे तरीके अवा कैं तरीके असल में तवी तरीक़ या औरत तरीका मुझे सभी बुधात अमां जो पढ़ल आया मुझे पुखियन ए मासियन की सपोर्ट मुकम्मल सपोर्ट जान की कुर्बानी दियण वाली सपोर्ट मुझे गोठ की सपोर्ट पे मुझे गोठ गोठ में लिटा पाद तेखा हजा तो उन अस हजा हिंसर भरू पे हिंसर भेनरू आन बैठन तो इंदू कमजोरी भी गाल थी इन गाल बीठल आया सिंध में औरत के पांजो मुकाम मिली पे औरत जी हजारे साल की गुलामी दूर थी वे हजारे साल की गुलामी जी ही खोल उनके हलन दिए साम्राज्य मानू उनकी कोशिश तो औरत गुलाम हो किली हो रद्दी हो बेकार हो सो ढी उन खिलता ये क्यों ढक जी साम्राज्य चवनता मुसलमान सदा ही कातल होजन जलाद होजन सजो ढी मारी मानू के उन सजो ढी पदर हारण खपन मुसलमान कलूम भरे लाई लाई लगे ठीक है हरण पदर मानू के कतल कन ए पा कतल थियन यो कम धंधो न जो नेठ साई जी एम सैद तेजे वेझा थी उन मुख्य अदारे में खो उन अदारे जो नालो हो बज़्मे सूफ़िया ए सिंध जो आऊं सेक्रेटरी जनरल थस सदर साईं जो सेक्रेटरी एक ढी वेस पे तो साम्हूं गॾियो रिप्लाई साहब रिप्लाई साहब बिल्कुलु हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो जुदा माण्हू जेके माण्हू हूंदा न ईअं कोन बिल्कुलु सफ़ा पंहिंजे मज़े जो माण्हू मुंहिंजे अच्छा हले पियो हाणे हाणे कहिड़ी ड्यूटी ते मुंहिंजो साईं जो आहियां सेक्रेटरी उन सेक्रेटरी उनखे छा चइबो आहे चई त पीर परस्ती फैलायो पियो आहे ईअं मूं कॾहिं कंहिं कोन चयो त पीर परस्त थियो चई न न फैलायो उहो पाणी फैलिबो आहे रुगो अमी जेका महिनत करे पियो आहे राति ॾींहुं तूं ऐं जीअं थियसि सो उहो जीअं थियो अॻे ई पीर परस्त फैलाए थो बाक़ी तूं जेको वॾा करां कामरेड थियो वेठो ऐं लख तकरीर पियो करीं हीअ पियो करीं हू पियो करीं सो बि कम सां शामिल आई त बाक़ी ॻाल्हि कॾहिं थींदी मूंसां अलाई मिलियो मुंहिंजी हमेशह हिन सां टेंशन हूंदी हुई मूंखे हमेशह चवंदो तूं नाहक कमु थो करीं हिकिड़ी वेठासीं वन यूनिट जो दौरो ऐं वेठासीं हैदराबाद में शायदि उते हिकिड़ो ॿियो लीडर हो तंहिंजी जाइ ते वेठासीं जी एम सैद हो डिप्लाई साहब हो ॿ टे ॼणा ॿिया हुआ ओचितो नौजवान साम्हूं अची बीठो अरिड़हें उणिवीह साल जो चई त मूंखे हिन कमेटीअ जो मेंबर कयो एंटी वन यूनिट कमेटी जो डिप्लाई साहब रड़ करे चयो त अमी सरकार जा एजेंट परे गवर्नर बंबई जो अमी सॼे जेकी उहे फरमाईंदासीं उहो कंदा सो अमी भई वन यूनिट कंदा अमला त यूनिट माउ पीउ आहे बराबरि आहे सभु ऐं कमु आहे जो तूं कंदे मूंखे अगरि सफ़ा कान वणी मुंहिंजो साईं हाणे ईअं कोन ॻाल्हाइबो आहे हिकिड़ो माण्हू शामिलु थो थिए त उन में खणी गॾु लफ़्ज़ में घटि वधि थी त का ॻाल्हि कान मुंहिंजी त वाट कर त ख़बर नाहे जीअं थियनि साहिबु साहिबु चयो ईअं कोन ॻाल्हाइबो आहे माण्हू साहिबु सही ॻाल्हाइबो आहे चई ईअं कोन ॻाल्हाइबो छो मूंखे इहो ॻाल्हि ॻाल्हाइणु ईंदो ई कोन्हे मूंखे ख़बर आहे त छा आहे छा न आहे पोइ थोरी देरि खां पोइ असां चयो था दिलि में न कजे डिप्लाई साहिबु मुजाहिद माण्हू आहे पंहिंजी तबियत जो माण्हू आहे हाणे तारीख़ पाण रखूं था ॾहनि ॾींहंनि खां पोइ उहा रखीसीं
उन खां पोइ आयो उहो माण्हू। अच्छा पोइ मालूम थियो त उहो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो। मूंखे लॻो हो त आउं सुञाणा सुभर नालो बि न थियो आहियां। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो आयो अची चई त आऊं इहा जेका मूं दरख़्वास्त कई आहे वापसि थो वठां। आऊं कोन शामिलु थियुसि में ऐं मुंहिंजा माइट चवंदा त इहा ॻाल्हि सही न आहे। तंहिं करे मुंहिंजा डीपराज साहिबु चयोसि थो हुते सभु रहमतूं अलाह जो तो इहा ॻाल्हि कई। मूं अॻे ख़बर हुई त सरकार बहादुर जेकी चवंदी सो तूं कंदो तुंहिंजो सॼो ख़ानदान वफ़ादार आहे सभु वफ़ादारी तूं कंदे। जंहिं बि जाइ ते लीपलाई साहिब खे महसूसु थियो त हीअ ॻाल्हि सही न आहे। हुन न का अरबी कई न का फारसी कई न का कुझु बि न सफ़ा सिधो फज़ीलत में चई कमु कोन थींदो। नॉट एट ऑल न कोन थींदो। मौलाना रूमीअ जो शेर आहे मंज़ क़ुरान मग़ज़रा बर्दाश्तमि उस खां पेश सगान दाखदमि। मूं क़ुरान मां मग़ज़ कढी वरितो जेके हॾा हुआ से कुतनि जेके अवसराए वियमि। सचर चयो हो त एझा कमु करीजे जिते बचे अलाह आप बणिजे। अलाह अलाह छो करी पाणी अलाह ॼाण इहे राज माण्हुनि जा जेके पंजाब जा ॿियनि जा ॿियनि जा इहे। पर हिकिड़ो माण्हू जेको मुकमल तरह पहाड़ वांगुरु बीठो आहे सभु ॻाल्हियुनि जो सभिनी जो ॻाल्हि इहा त पीर परस्ती न कबी मज़हब जे इवज़ ग़ुलाम न थिबो इंसानियत क़ाइमु रखिजी उहो ई माण्हू हो। ऐं उन लाइ हुनखे डप फज़ीलतूं फ़ाइदा हे माण्हू कुझु फ़ाइदो ॾींदा हे कोन ॾींदा हीअं जे कबो उहो कवरजी वेंदा फलाणो हीअं थींदो कंहिं ॻाल्हि में कोन। हिन जहिड़ो बहादुरु ऐं दिलेर माण्हू अहिड़ी ॻाल्हि में जंहिंमें हिनखे टके जो फ़ाइदो कोन थियो मेंबर थियणो कोन हो हुनखे टके जो फ़ाइदो कोन हो। हीअ ईअं ई मैदान जंग में बीठो हो मलंग थियो बीठो हो। इहा ॻाल्हि त माण्हुनि खे मज़हब जे नाले में पीरनि ऐं मुलनि जो गुलाम कोन कबो इहा हुई ॻाल्हि थोरी। तंहिंजे करे हीअ जेको ॾींहुं सो जेको जंहिं ॾींहं जे लाइक़ु आहे उनखां तमामु नंढिड़ो ॾींहुं ॻाल्हि माण्हू पाण नंढिड़ा आहिनि पाण हिते पंहिंजो कमु न कयो आहे पाण हुनखे रवायती तरह सां हलायो आहे। पर तंहिं हूंदे बि जेको तव्हां हैदराबाद जे माण्हुनि जंहिं बहादुरी ऐं दिलेरी ऐं सच सां हिन अज़ीम तरीन आलमी शख़्सियत ही माण्हू ठटो झुंशाई मिलणी रुगो कोन हो आलमी शख़्सियत हो सफ़ा उहो आलमी शख़्सियत हो ऐं बीठो हो ऐं हुनजे इवज़ का बि इनाम कोन ते वरितईं शाबस कोन ते वरितईं का शइ न। गुज़ारे वियो त गुज़ारे वियो शाबस जे गणती में कोन हो। तंहिं करे अचो त सभु गॾिजी मोहम्मद उस्मान डीपलाई खे बतौर सिंधी शख़्सियत न पर बतौर हिकु आलमी इंसानी शख़्सियत इनकलाबी शख़्सियत जे उनखे यादि कयूं उनखे कान ॿुधायूं उनखे दुनिया में पेश करियूं उनखां सिखूं उन जूं ॻाल्हियूं ॿुधूं ऐं उनजो सॼो जज़्बो पंहिंजे रूह में पंहिंजे दिमाग़ में पंहिंजे सीने में उन में पाणे करे ऐं हिन मुल्क खे हिकिड़ो इनकलाबी मुल्क बणायूं। बराबरि हीउ प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे पारां रिकॉर्ड पियो थिए ऐं इहो ईअं जो ईअं उतां नशर थींदो। तव्हां ॿुधी सघो था नेट ते रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं अखर छुटे हिकिड़े ॿहूं ॿी न हुजनि को कबो खे अथनि सॼी सुणाए ॻाल्हड़ी। आउं गुज़ारिश कंदुसि साईं असां सभिनी जी हरदिल अज़ीज़ शख़्सियत साईं गुल मोहम्मद उमराणी साहिब जिन खे उहो जी पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। साईं गुल मोहम्मद उमराणी ऐं तव्हांजो ताड़ियूं। मुंहिंजो टॉपिक आहे मोहम्मद उस्मान डीपलाई हिकु बेबाक सहाफ़ी। मरहूम मोहम्मद उस्मान डीपलाई हिकु घणो रुखी मल्टी डायमेंशनल अदबी इल्मी ऐं सहाफ़ती कदावर आइकॉनिक शख़्सियत आहे। डॉक्टर शमसी नुरसाणी सिंधी अदब जे इर्तिकाई तारीख़ जे आज़ादी खां पोइ जे दौर जे अदब जो तज़ियो कंदे
लिखे तो सोशल रियलिज़म जदीद इंसानी अफसाने जो जिक्र कंदे मशहूर अदीब मोहम्मद उस्मान डीपलाई इन अरसे में नमूदार थियो। इन अरसे में डीपलाई साहब जा एक बे पुठियां किताब इन साल कढ़िया जैमें हु जदीद ज़हनी हथियार से लैस थी। ये गाल पली जी साहब पे कई तो हु जदीद ज़हनी हथियार चाहे अकल पसंदी जो हिंसर गाल निकती मार्क्सिज्म जी या पंजी सोशलिज्म जी तो उका हथियार हो वो रैशनलिज्म जो है जो असि हाँ चौंता तो मार्क्स जो है पर मार्क्स का घो अगे जो है तवा के रैशनलिज्म ग्रीक फिलॉसफी में मिल ग्रीक मटीरियलिज्म भी है इन कर रैशनलिज्म जो है सो तमाम पुराना है यूनानी फलसफे जो जो जड़वाद जो है उत शुरू तो थे। बहरहाल मार्क्स की कंट्रीब्यूशन के को भी डिनाय नो कर सके तो हि चे तो जहनी हथियार से लैस थी अदबी मैदान से निर्वार थो ए मखसूस तर्ज ही स्टाइल जो केतरू कहानियों ड्रामा नावल सिंधी अदब के डना हाँ जो मुझे मौजू अदबी महाज से डीपलाई जो कंट्रीब्यूशन को पर मुझो मौजू है तो डीपलाई साहब की सहाफती सुरहाई जो इजहार क्या इन कर सिंधी सहाफत की इर्तकाई तारीख जी पीएचडी जो मकालो है तमाम जखीम वो असे प्यारे दोस्त अजीज रहमान बुघे साहब डॉक्टरेट कई पे उन में हुई लिस्ट दिए तो उनमें सीरियल नंबर छह से लिखे तो सिंध टाइम्स हैदराबाद मोहम्मद उस्मान डीपलाई जो ताज़ो इंतकाल जो ताज़ो इंतकाल थो 81 में थो किताब छपो 88 में वो पाजो अजीज रहमान बुघो चवे तो तो डीपलाई साहब जो सहाफती सफर जी इंतहा ऐसो तो एक बेबाक अरले सहाफी के आखिर में एक अड़ी अखबार दिनी वही खोले जो उन बंद करनी पी वो अफसोस की भी है तो राइज हो वही असानी नाकदर शनासी हुई तो उन दुख जो इजहार करे तो अजीज रहमान बुघो सब का अवल तो उन्हीं अखबार जो रिसाल उपटार को क्या तमाम वही उपटार है वह तक मिली वी जी डीपलाई साहब कटिया पर उनमें मां इंसान रिसाले जो तमाम घो खास जिक्र कस जे मुख्य मुतासिर कयो चाहे उन दौर में मां ब उर्दू रिसाल पढ़ोस नंढे होंदे लेलो नहार चट्टान सिंधी में चट्टान नैमुल लेलो नहार जो नैमुल बदल इंसान हफ्तेवार रिसालो थो असे जे मू जे ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ासी प्राइमरी में पढ़ासी असा ला या चट्टान भी हुई लेलो नहार भी हुई तो इं पे बियों अखबारों रिसाल तमाम वो सिलसिलो है मां उनके इतने मां ओमिट क्या तो हाँ मां थोड़ो वो टेक्निकल गाल चाह तो कें भी बेबाक बाज़मीर सहाफी की परख संदस अखबार की बेहक चाल ढाल में कर सभी है बेहक जो मतलब खबरों की तरतीब सिटा अहमियत रख रखाव हुकूमत के तरफ लाड़ो या मुखालबत धुन सा न्याजमंदी या कवरेज केतरो दिजे तो चाल ढाल जो मफहूम है तो सरकार का केतरी माली रियायत मिले थी केतरी रियायत की उम्मीद या आसरो है या बिल्कुल खुली गैर मशरूत जंग जोटियल है। डीपलाई साहब इन आखिरी कैटेगरी में अचे तो खुली गैर मशरूत जंग जोटियल हुई उनकी इन मापन मयार इंतहाई हतमी पैमानो इन जरीदे के एडिटोरियल पॉलिसी ते हुंदो आहे। अजकल त अक्सर अखबारों इन अंग्रेजी मकूल से अमल पैरायन त रनिंग विथ द हेयर्स एंड हंटिंग विथ द हाउंड्स यानी तो द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग काफ़ी वाला असाजा कॉम्रेड अखबारों को हलन पाया घर नालो कह अठूँ पर वह अखबारों वही पीपल्स पार्टी के वन वन मानून सेठन जो अखबारों आन उनके हाँ चेजे पहल सेठन के कर अच्छा हाँ ये अखबारों बिल्कुल नामवर उर्दू जगादरी सहाफी ऐं माशाला कायद अजम की कायल कल अंग्रेजी अखबार भी इनमें शामिल है डॉन लीक्स जो तुधो हों जिक्र भले उन आर्मी की तरफ झुका हो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुए पर वरी तक पेरों खड़ो तो नवाज शरीफ से वही डॉन जो एतो मोहब्बत जो इजहार है जो MQM की सपोर्ट में मूँ पी उम्र में जिता अंग्रेजी में एडिटर डॉन में पढ़िया कें में को पढ़िया अतम मैं हैरान आया तो डॉन के MQM का चे तो MQM से तमाम घो जुल्म रो है तमाम उनको
जुडिशल ट्रायल ऐं हिन जो अलाए कहिड़ो ट्रायल थो थिए, हिननि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स आहिनि, ॻाल्हि डान खे तमामु घणी आहे। हींअर बि जेके हैदराबाद में हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में जेका सभ खां अनोखी हेडिंग जेका ॾिनी त सिंध हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन अज़म्पशंस, उहा डान ॾिनी। हालांकि हेतिरा असां हिन किताब सवे किताब आहिनि जेके पंजाबी, पश्तो ऐं ढाटकी हर तारीख़ खां वधीक सिंध में छपियल आहिनि। पर डान जे नुमाइंदे खे मूं चयो यार अज़म्पशंस कहिड़ियूं आहिनि, सिंधी अदबी बोर्ड में तूं रुगड़ो चकर ॾियणु तोखे ख़बर पवंदी 50 खनि किताब सिंधी जी तारीख़ ते तोखे मिलंदा। बहरहाल डान वारनि खे अज़म्पशन वारी ॻाल्हि ॾाढी वणी ऐं उनखे उन्हनि ॾाढो फैलायो। उन ते ॿ टे ख़त बि आया दोस्तनि जा। बहरहाल मूंखे ॾाढो ॾुखु थियो त असांजी हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल जामी बि ॻाल्हायो, तमामु घणनि ॿियनि बि ॻाल्हायो, पर जेका हेडिंग लॻी असांजे तारीख़ खे मस्क करे वियो उहो डान इहो कयो त बेस्ड ऑन अज़म्पशंस, माना मफ़रूज़नि ते तारीख़ आहे असांजी। इन ॻाल्हि जो मूंखे अफ़सोस बि आहे, पर ठहियो अफ़सोस खां सवाइ छा थो करे सघिजे। त हेडिंग ॾियणी अहिड़ी आहे जंहिंसां सिंध जो सॼो हुलियो तारीख़, जाग्राफ़ी, कल्चर, सभ्यता मस्क थी वञे। हाणे शुक्रु ख़ुदा जो कल्ह सुठी तमामु हेडिंग ॾिनी अथनि मोहन जे दड़े ते, हाणे वरी कुझु बहितरु आहे। बहरहाल ॻाल्हि त इहे मतिलबु मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती राय, थी सघे थो तव्हां मूंसां मुतफ़िक़ न बि हुजो, पर मूंखे ॾाढो अफ़सोस थियो त जेके हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल जो जेको हेडलाइंस हुई उहा तमामु डैमेजिंग हुई। या सॼी अमेरिका में, इंग्लैंड में ॿिया सभु माण्हू पढ़नि था हिस्टोरियन, उन्हनि खे बि इहा ॻाल्हि अचरज जहिड़ी लॻी। ॿ टे ख़त बि आया, पर ॿ टे ख़त सिंधियुनि जा आया। हिकिड़ो काज़ी ख़ादिम जी ब्रदर लिखियो ऐं हिकिड़ो ॿियो ख़त डॉक्टर ॾखण लिखियो। बहरहाल उहे अहिड़ा ख़त टुथलेस हूंदा आहिनि जो ॼण माण्हू जीअं पबनि वारो जेको माण्हू छा माण्हू ॻाल्हाए सघंदो, उन ॾंद भॻा पिया ख़तनि जा। मूं जहिड़े माण्हू खे त छपण जी हुते ज़रूरत कोन्हे, चवंदा असां हुते पाबंदी आहे ग़ैर ऐलानिया। डॉक्टर ख़ान मोहन पवन पंहिंजे हिकु मज़मून डीपलाई जो सहाफ़ती ज़िंदगी किताब मोहम्मद उस्मान डीपलाई मुरतब ताजो में ज़िक्र करे थो त रोज़ानी अख़बार माली मुश्किलातुनि ऐं सरकारी अदम तवजी जे करे उन वक़्तु ऐं इश्तिहार न मिलण करे तंगंदी रही सिंध टाइम्स। ऐं पोइ उनखां पोइ पवन साहिबु पाण सिंध यूनिवर्सिटी जे मास कम्युनिकेशन जो डायरेक्टर हो ऐं पहिरियों उनजो बानी हो, उन बि डीपलाई साहिब जी इहा ॻाल्हि दोहराई आहे त हू जंहिं उहा प्रेस वारी जाइ जिते हू सहाफ़त जे ज़रिए क़ौमी शफ़ा जो कमु कंदो हो, उन जाइ जे संदसि पुटु ऐं संदसि नुंहुं खे जेके डॉक्टर आहे उहा इस्पताल क़ाइमु न करे सघिया, छाकाणि त सरकार या उनजो सेटलमेंट डिपार्टमेंट डीपलाई साहिब जे फेवर में न आहे। पोइ मां थोरो वरी ज़िक्र कयां थो, पोइ मां वरी पंहिंजी जाइ वठां थो, छाकाणि त मकालो थोरो वॾो आहे ऐं थी सघे थो मोहम्मद डीपलाई खे वरी पोइ इहो आराम सां पढ़ंदो। आफ़ाक़ सिद्दीक़ी साॻी किताब में लिखे थो, सिंध में मज़ामती अदब की बुनियादु रखणु वारे मोहम्मद उस्मान डीपलाई थिए मज़ामती। उन्हनि इस्तेहसाली तबिको मुनाफ़िक़ो मुनाफ़िक़ना रवैयो और हर क़िस्म की हक़ तलफ़ी और नाइंसाफ़ियूं को इंतिहाई ज़रूरतमंदाना रद्द अमल का इज़हार किया। वो मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद जौहर और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की तरह सचे और खरे मुजाहिद हुरियत थे। इन खां वधीक छा चए। सीरत किरदार की साबित कदमी वे बेबाकी और भरपूर ज़रूरतमंदाना इज़हार के सबब डीपलाई साहब को 56, 61 और 73 में क़ैदोबंद की सोबतों से भी दो चार होना पड़ा। ऐं पोइ वरी इक़बाल जो शेर थो ॾिए, जेकॾहिं तव्हां नाराज़ु न थियो त मां इक़बाल खे पेश कयां, त असांजा माण्हू वरी कुझु इक़बाल खे हूअ फेसबुक ते पसंदि कनि था, पर मजलिस में शायदि इक़बाल जे लाइ चवणु या सम्झनि था जमात इस्लामी जो माण्हू अची वियो आहे। मां जमात इस्लामी जो बिल्कुलु कोन आहियां। आईन जवाब वरदी हक़ गोई वे बेबाक़ी, अलाह खे शेरो को आती नी रुबाही। सही महिरबानी। महिरबानी साईं। ऐं असां वटि अदी डॉक्टर सईद अहमद साहिबु वेठी आहे, पाण साईं मोहम्मद उस्मान डीपलाई साहिब जे ख़ानदान सां तालुक रखे थी, शायदि हुनजी पोटी आहे। ऐं मुंहिंजी असांजी ख़्वाहिश आहे त उहो मुख़्तसरनि, थोरो जो टाइम इलाही थी वियो आहे, मुख़्तसरनि पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। डॉक्टर सईद अहमद साहिबु, डीपलाई साहिब खे मूं कहाणी अने किताबनि वसीले न सुञातो। हू असांजे घर में मुंहिंजे अम्मा जे विहाणी जे हेठां उन जा रखियल किताब असांजे लाइ हिकु नंढपण खां वठी
डिप्लाई साहब ईअं हूंदो हो जो डिप्लाई जो कहाणियूं पढ़ण खां पहिरीं असां सम्झूं हर कहाणी जेका हो न लिखंदो हो अम्मा असांखे उन जे पस मंज़र सूदो ॿुधाईंदी हुई मुर्शिद जे बारे में जेके बि कहाणियूं हुन लिखियूं अम्मा खे हुनजो पस मंज़र ख़बर हूंदो हो त यकीननि मुंहिंजे लाइ इहा मुंहिंजी इहा ख़ुशकिस्मती आहे जो मोहम्मद उस्मान डिप्लाई जंहिंजे लिखणीअ जे तिलसम में असीं गिरफ़्तार हुआसीं मूं पंहिंजी ज़िंदगीअ में वरी उन जे जेको सहाफ़ती हवाले सां जेको उन कमु कयो उन ते मूं वरी कमु कयो मुंहिंजी पी एच डी थीसिस जेका कालम नवीसी जे हवाले सां आहे उन में मूं मोहम्मद उस्मान डिप्लाई खे बतौर कालम नवीस कयो हीअ ॻाल्हि नंढड़ी जेका मूंखे हमेशह अफ़सोस में मुबतला कंदी रही उहा इहा त जॾहिं असां पंहिंजा इम्तिहान ॾियणु शुरू कया ऐं सिंध ते लिखियलु सिंध जी अदबी तारीख़ूं जेके कंहिं हवाले सां लिखियूं वयूं हुयूं उन में मूंखे लॻो त मोहम्मद उस्मान डिप्लाई सां एॾी वॾी नानसाफ़ी थी आहे जो जॾहिं असां नसर जी पढ़ूं था अदबी तारीख़ ॿिनि टिनि सिटनि में वधि हिकिड़े अधु सुफ़े ते जंहिं शख़्स पंहिंजी ज़िंदगी अर्पे छॾी उन ई जे बारे में हिकिड़ो सुफ़ो ॿ सुफ़ा अदबी तारीख़नि जे हवाले सां वरी जॾहिं असां मूं इहा बाक़ाइदे तहक़ीक़ कई त मूंखे लॻो त असांजा ॿार किताब पढ़नि किथे था हुननि खे कहाणियुनि सां दिलचस्पी आहे किथे निसाब ई हिकिड़ो इहो वाहिद तरीक़ो आहे जंहिंमें असां ॿारनि खे कुझु कंहिं क़िस्म जी मालूमात ॾेई सघूं था उन में मोहम्मद उस्मान डिप्लाई जहिड़े शख़्स जी जंहिंखे हिते छा छा न जेको आहे सो जंहिंजे बारे में चयो वियो आहे उहो हिकिड़ो आदर्शी शख़्स उन जी का हिकिड़ी कहाणी को हिकिड़ी सिट कुझु बि न आहे का शइ निसाब में शामिलु न आहे यानी कुझु माण्हुनि सां त एतिरे क़दुरु आहे जो हुननि जा टे टे चारि चारि मज़मून लॻातार लॻा विया लिखिया विया ॾिना विया आहिनि बसि निसाब में पर मोहम्मद उस्मान डिप्लाई जी लिखियलु हेतिरा 150 किताब रवाज मश्किरी न आहे रवाज जी ॻाल्हि न आहे असां ॿारो त हिकिड़ो किताबु लिखे थो त असांजे हालति ख़राबु थी थी वञे किताबु लिखण खां चर्चे जहिड़ी ॻाल्हि न आहे हू शख़्स जेको हिकिड़ो इंसाइक्लोपीडिया हो उन शख़्स 150 किताब सिंधी अदब खे ॾिना ऐं उनजी का हिकिड़ी कहाणी बि असांजे निसाब में शामिलु न आहे जो असीं बतौर कहाणीकार जॾहिं पंहिंजे शागिर्दनि खे पढ़ायूं त फ़ख्र सां चऊं त हीअ कहाणी मोहम्मद उस्मान डिप्लाई लिखी आहे सो जेकॾहिं हिते केरु अहिड़ी का शख़्सियत हुजे मौजूदु जेका असांजो इहो पैगाम पहुचाए त डिप्लाई साहिबु इन करे न त हू डिप्लाई हो हू हिकु सिंधी अदब जी हिकु अहिड़ी हिकिड़ी कदावर शख़्सियत जंहिं सच लिखियो जंहिं अहिड़ो सच लिखियो जो अॼु बि जेकॾहिं असां उहो पढ़ूं था तव्हां यकीन करियो हफ़्तेवार इंसान जो गुल मोहम्मद उमराणी साहिबु ज़िक्र कयो हफ़्तेवार इंसान जा केतिरा ई परचा इहे त 60 जे ॾहाके में निकितल जेको मैगज़ीन हो इहो असां न पढ़ियो हो पर जॾहिं मूं तहक़ीक़ कई ऐं मूं अदा मोहम्मद अली खान जा परचा खया त उहो उन में मोहम्मद उस्मान डिप्लाई जा ॿ कालम ऐं ॿई मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में लिखियलु छा त हुन ऐं अॼु बि तव्हां उहो कालम ऐं जेकॾहिं मूंखे अदा मोहम्मद अली चयो आहे त तव्हांखे आउं कुझु उन जी सिटूं पढ़ी ॿुधायां त उहो अॼु बि अॼु जी हालति तव्हां पढ़ंदा तव्हांखे न लॻंदो त उहो कालम अॼु खां 50 साल पहिरीं लिखिया विया उहे कालम अॼु बि ओतिरा ई मुयसरु आहिनि उहे कालम अॼु बि ओतिरा ई असरंगेज़ आहिनि बल्कि आउं सम्झां थी त शायदि अॼु जे दौर में को अहिड़ो कालम नवीस हुजे जेको एतिरे रवानी सां ऐं एतिरे तसलसुल सां ऐं एतिरी सुठी सिंधीअ में का ॻाल्हि ॿुधाए सघे सो डिप्लाई साहिबु हमेशह ज़िंदा रहंदो पंहिंजे कम जे वसीले पंहिंजे उन सच जे वसीले अलाह ताला उन जो नालो यकीननि ज़िंदा रखियो आहे ऐं ज़िंदा रहंदो असांखे इन जे करण जे लाइ आउं सम्झां थी त का बि घणी कोशिशि न करणी पवंदी डॉक्टर साहिबु ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई ऐं मूंखे हींअर अची सलीम चना चई वियो त सिंधियत बि संगत हैदराबाद पारां हिन हाउस में हिकिड़ी क़रारदाद पेश कजे ऐं तव्हां हुनजी जेकॾहिं हिमायत कयो त हीअ ॻाल्हि परिते ताईं हली वेंदी त मोहम्मद उस्मान डिप्लाई जी लिखणियुनि खे निसाब में शामिलु कयो वञे जेकॾहिं साईं जामी साहिबु चवंदा त हुनखे सबक जे तौर ते शामिलु कयो वञे त हीअ क़रारदाद जेकॾहिं तव्हां सभिनी खे मंज़ूरु आहे त या हथ मथे खणो या ताड़ी वॼायो ठीकु आहे ठीकु आहे इल्मु अकुलु
ॾाहप ऐं इरफान जा ॾाका चढ़ंदे चढ़ंदे हीअ शख़्सियत जंहिंखे आऊं हिते सॾण वारो आहियां उहो उन जॻह ते अची पियो आहे जिते हुनखे आऊं जेकॾहिं चवां थो सिंध जे शऊर जो उस्तादु आहे त तव्हां शायदि आऊं घटि न हुजां तव्हां भरपूर आज कंदा साईं जामी चांजो डिप्लाई साहिबु असां ॾिठो कोन ज़ाहिर आहे ऐं पर असांजी मुंहिंजो ज़ाती तरह डिप्लाई साहिब सां तमामु नंढपण खां हीअं माना हिन माना में तालुक़ु रहियो हो जो असां भाइरनि भेणनि खे बाबा घर में चवंदो हो त तव्हां जेके किताब असांखे ॾसींदो हो त पढ़ो ज़रूरु उन डिप्लाई साहिबु असांजे घर में लाज़मी हूंदो ऐं असांजे घर में डिप्लाई साहिब जा किताब सभु हूंदा हुआ हे इंसान जा सभु पर्चा हूंदा हुआ ऐं बाबा जो ज़ाती तरह खणी दोस्ती त न ई पर जोयो साहिबु दोस्त हो बाबा जो पर पलीओ साहिबु दोस्त हो त ग्रामीण साहिबु दोस्त हो डिप्लाई साहिब सां हुनजी दुआ सलाम बि शना साहिब हुई पर असांजे घर में डिप्लाई साहिब जो ज़िक्र तमामु घणो थींदो हो ऐं बाबा असांजे सभिनी ॿारनि खे मुंहिंजी वॾी भेण पाण हाणे प्रोफेसर आहे प्रिंसिपल आहे रही हुई चवंदो डिप्लाई जा कलम ज़रूरु पढ़ो किताब पढ़ो हे शयूं पढ़ो ऐं ख़ासि तौर ते जेको इंसान विसाल जो अदी ज़िक्र कयो पिणु ज़िक्र थियो त माना डिप्लाई साहिब जी ज़ात असांजे नंढपण खां वठी ॼण त हवालो रहियो ऐं हुनखां उत्साह मिलंदो रहियो असां शयूं पढ़ियूं हुनजूं असांजे घर में सभु किताब हुनजा हुआ अॼु बि यकीन सभु हूंदा हुआ पर हक़ीक़त इहा आहे त डिप्लाई साहिब सां जेको मुंहिंजो तारीफ़ु या जेको इंट्रेस्ट डेवलप थियो ज़िंदगी में उहो पैदा कराइण वारो हुओ पलीओ साहिबु मुंहिंजी सॼी शौरी ज़िंदगी गॾु गुज़री आहे पलीअ साहिब सां ऐं जो हिसाब सां पलीओ साहिब जी जेके माण्हू वेझो रहिया आहिनि हुनखे ख़बर हूंदी त टिनि माण्हुनि जो हू आशिक़ु हो माना टिनि माण्हुनि जो ज़िक्र हू हर महफ़िल में कंदो हर कचहरी में कंदो हर मजलिस में कंदो लतीफ़ साईं जतोई हैदर बख़्श कामरेड ऐं टियों उस्मान डिप्लाई साहिब त असांजी इहा ख़ुशबख़्ती जो पलीअ साहिब जी सोहबत जे करे जॾहिं शौरी सम्झ वारी उमिरि में आयासीं त पलीओ साहिबु असांखे ऐं पलीओ साहिबु मां तव्हांखे ॿुधायां त पलीओ साहिबु चवंदो हो हमेशह असांखे हाणे त उमिरि न रही हुनजी ज़ाहिर आहे ऐं अफ़सोस लिखी न सघियो चवंदो सॼी उमिरि इहो त मां पाण खे मुजुर्म महसूसु कंदो आहियां त मां डिप्लाई ते लिखियो कोन्हे डिप्लाई खे जीअं मां सम्झां थो चवंदो हो त ईअं मतिलबु सिंध में घटि माण्हू सम्झनि था डिप्लाई खे जेको हुन वटि हिनजो एतराम ऐं प्यारु त असांखे इहा ख़ुशबख़्ती जो जोय साहिब जे करे पलीअ साहिब जे करे डिप्लाई साहिब जूं ॻाल्हियूं यादगिरियूं क़िसा वाकिया हुनजूं लिखणियूं तहरीरूं मां जेकॾहिं उन सॼी ॻाल्हि ॿोल खे सहेड़ियां त डिप्लाई साहिब जे बारे में जेके मुंहिंजा वीचार आहिनि मज़मून में बि लिखियलु अथमि पर जेके सहेड़िया नौजवान वेठल आहिनि त पंज छह नुक़्ता मां तव्हां सां ॻाल्हि करणु चाहींदुसि डिप्लाई साहिबु मज़हबी हुयो पोइ मज़हबी एतिरो कोन रहियो ॿिन्ही ज़माननि में दौरनि में पर डिप्लाई साहिबु पंहिंजी सॼी ज़िंदगी में हिकिड़ो ग़ैर रिवायती माण्हू हो उहो आम रवाजी माण्हू न हो इहा ॻाल्हि हर को तस्लीम कंदो ऐं हुनजी ज़िंदगी मां इहा शइ नज़र अचे थी त हू को रवाजी रवायती माण्हू न हो जीअं ज़मानो दस्तूर आहे ईअं हलण वारो माण्हू न हो डिप्लाई साहिब जी सॼी ज़िंदगी ऐं हुनजो लिखणियूं हुनजा किरदार हुनजी ॿोली हुन जूं तशबीहूं हुनजा इस्तारा हुनजूं अलामतूं हुनजा मौज़ू ऐं ज़िंदगी ॾांहुं जेको रंग आहे हुनजो ढंग मिसाल सिराज उल हक मेमन साहिबु मां अक्सर कोट कंदो आहियां त सिराज साहिबु चवंदो हो त जॾहिं मूं डिप्लाई साहिब जी प्रेस ते कमु कंदोसि मां त उन ज़माने में त हिकिड़ो अज़ाब लॻंदो हो छो त डिप्लाई साहिब जो परफेक्शनिस्ट हो जो मुतमिन कोन थींदो तर्जमा कराईंदो हो सिराज साहिबु हे तर्जमो करे अची हिकिड़ी हिकिड़ी शइ असां खां ॾह भेरा चवंदो वराए वराए तर्जमो कयो पोइ सिराज साहिबु चवंदो हो ऐं पाण लिखियो अथसि ऐं मूं बि लिखियो आहे सिराज साहिब में त सिराज साहिबु लिखियो जॾहिं मां डिप्लाई साहिब जी प्रेस खां ॿाहिरि निकिरी आयुसि त पोइ ख़बर पई त दरअसल उहो तरबियत जो दौरु कीअं हो हे जेको कुझु मां अॼु आहियां सिराज साहिबु चवंदो हो त ॿिनि माण्हुनि जे करे आहियां हिकिड़ो डिप्लाई साहिबु जोयो साहिबु त तव्हां ॾिसंदव त इहो जेको आहे डिप्लाई साहिब जी जेका ग़ैर रिवायती पढ़णो आहे ऐं तव्हां दुनिया में ॾिसंदो दुनिया में जेको वॾा माण्हू आहिनि दुनिया में जेके वॾा माण्हू आहिनि जंहिं बि शोबे में हुजनि उहे साइंस में हुजनि उहे अदब में हुजनि उहे फन में हुजनि उहे सियासत में हुजनि उहे मुसवरी में हुजनि उस्ताद हुजनि ज़िंदगी जे कंहिं बि शोबे में जेके वॾा माण्हू सही माना में वॾा माण्हू दुनिया में आहिनि उहे माण्हू तव्हांखे नज़र ईंदो त पंहिंजी ज़िंदगीअ में हिकिड़ा ग़ैर रिवाजी ग़ैर रिवायती माण्हू आहे ऐं उनखां सवाइ वॾो माण्हू थियणु जीअं रती साईं चयो आहे त अखि उल्टी धार वऊं उल्टो आहे मसीं जेको ज़माने जे दस्तूर जी पोइवारी कंदो उहो कहिड़ो वॾो माण्हू चइबो त डिप्लाई साहिब में जेका वॾी ख़ूबी हुई त उहो नंढपण खां पंहिंजी पूरी ज़िंदगीअ में पंहिंजे पूरे ज़माने में ग़ैर रिवायती माण्हू पर इहो बि त मुमकिन आहे त माण्हू ग़ैर रिवायती सां गॾोगॾु जेका ॿी ख़ूबी हुन माण्हू में आहे
आदर्शी मानू जो अधी गाल कई बया काफ़ी गालू करे वह पलीर साहब गाल करे वो डीपलाई साहब छो लिख हो ये सब कम छो कह उनो मुहरक हो उन में खबर थी पे तो डीपलाई साहब के वट जिंदगी जो फलसफो हो फलसफे हयात हो असा के नजर तो अचे उन जिंदगी के समूरे सफर में तो डीपलाई साहब पैं जिंदगी में एक मुकम्मल आदर्शी मानू हो ही वो मानू न हो जैंखे जिंदगी पी जात गुजारणी पैं खानदान गुजारणी तुम मुझे मोहम्मद अली डीपलाई साहब अस उम्र जो फर्क ना मुझे तमाम दोस्त उजाए तो अस पा में तमाम दोस्त उजाए था डीपलाई साहब के बारे में कचहरी जान थी तमाम घड़ी घने जमाने को वी बिन दहाकन को वी डीपलाई साहब चवन हो असा बुधाई मोहम्मद साहब तो तुम जिन शे डीपलाई साहब की अजमत आगू लगा था अस बार महसूस कर भोग खबर है असने घर में खबर है यकीन थो अंदाजो आ तो डीपलाई साहब के जी जी आदर्शी जिंदगी आने में जात पो घर उन समाज सामूँ हो समाज जो मानू सामूँ हो ख्वाब हो पे समाज के बारे में तो मुझे समाज हिं हो तो मुझे ख्याल में यह आदर्शी हयाती है यह जो अजोके जदीद सनती या शहरी जमाने में मरंदड़ कदर है यह डीपलाई साहब की हयाती में सीखने के लिए वो बुनियादी वैल्यू है कदर आ डीपलाई साहब मुकम्मल तरह आदर्शी मानू गैर रिवायती आदर्शी मानू तसवर कर डीपलाई साहब जो ताल्लुक उन कम्युनिटी से है जेका कम्युनिटी मुकम्मल तरह कारोबार से शख्सी खानदानी तरक्की से उन अवसर से हर को ख्वाब रिसो पे खानदान लाइन डीपलाई कम्युनिटी तमाम एक कामयाब कम्युनिटी असि मुझा भेण दोस्त समझो पिटारे में घर पिटारे मुझे भागे उन कम्युनिटी में एक मानू जो बेलॉस मानू इन वो तस्वरी ना है तो कोई जात ला मेहनो आ खानदान ला मेहनो आ जी बैत समय लती सही पढ़ो तो जोगीड़ा जहान में नूरी ए नारी बरी जिन बारी आनवी है तो डीपलाई साहब जो जो कमाल है वह अड़ी कम्युनिटी में थी उन मानू की जी जिंदगी आड़ी त गैर मामूली डेडिकेटेड आदर्शी आ जहाँ मिसाल असा गठा मानू मिल पर यो दुनिया में थी तो एक मानू आदर्शी हुजन पर जाखोड़ी न हुजन इन मानू जो कमाल यो तो ही जेडो आदर्शी मानू आतो ही पैं जिंदगी में एक सरापा जदोजहद एक जाखोड़ वो मानू आ कदें भी लगे नो तो ये मानू सुख से वेठो हों सुख से सुतो हों जिंदगी जहद आ स्ट्रगल आ तो मुझे ख्याल में इं अजोके जमाने में अजोके दौर में असि नई नस्ल के असा सभी के जहाँ सीखण खपे शे वह या तो डीपलाई साहब की जिंदगी सरापा स्ट्रगल हुई यह तमाम वही गाल हुई डीपलाई साहब की मुझे मजमून में गाल लिखी है तो वन मानून की निशानी इंदी घन शन का गडो गड तो दुनिया जहा सभी वा मू जहनी तौर से मुतहरिक हूं वह कदें भी गाल बी न रहा है उन जिंदगी जो सफर जुस्तजू गोला हक सच है सही है वह सारी उम्र का गोला कह उन गोला जो अंत आखिर तीन मिसाल तौर तुम बुध हों ज़करियाउल राज़ी जो वो राजीदान हो उनकी जैसे सकराती हालत जड़ी नीम सकराती हालत जैसे उन दोस्त बो राजीदान रियाजीदान पुछण आया तबियत उनकी उन किताब में ज़िक्र अल खलीली लिखो है जो उनका पुछई तो जैसे आयो तो ज़करियाउल राज़ी बिल्कुल नीम गशी की हालत में हो उनमें ताकत रही तो उथी रही सके तो उनके अख पटे दिठई तो उन चयस तो उनके ठीक नहीं फलानो आयो तो उन किताब लिखो अल खली लिखो तो उनके चई तो तू हो थ्योरम रियाजी जो हल कर मरे पो बिस्तर मरते आ चुरी सके नो गाले सके नो उनके चई विस्पर करे तो तू वो थ्योरम हल कर तो उन चयस ज़करियाउल राज़ी थ्योरम हल कर या न कर तू तो वही पो जहान मो तू तो मरी मरण वो हाँ तो कड़ो फर्क पव तो उन लिखो है ज़करियाउल राज़ी के जिस्म में कावड़ की लहर डोड़ी वही उन उथी जन कर खी चयस तू चाही तो जानी न मरा मरी तो मई वस पर चाहे तो यो जाने पो मर तो ये जे मू थन था जिंदगी में डीपलाई साहब जो कमाल यो है डीपलाई साहब एक तमाम मजहबी मानू रो जिंदगी जो वो हिस्सो सख्त मजहबी रो खबर होंगी सभी तक उही डीपलाई साहब पैं उम्र के एक तमाम मेच्योर स्टेज से अची वो इंसान रिसालो तो कड़े जैमें इर्तका की कहानी जैमें डार्विन जा जे बारे में नजरियो इंसान जो छाए मुकम्मल एकड़ो वो उस मोहम्मद उस्मान डीपलाई जो एक मुकम्मल सख्तगीर मजहबी मानू हो
उहो माण्हू ट्रांसफॉर्म थिए थो, उहो माण्हू जदीद साइंसी सोच ॾे अचे थो। ऐं तव्हां ॾिसो त उहो रिप्लाई साहब पंहिंजे इंसान रिसाले में, काश उहे सभु रिसाला ॿीहर शायदि थियनि, रीप्रोड्यूसन माण्हू पढ़नि त उन्हनि जे मज़मूननि में छा छा लिखियलु हूंदो हो, तर्जुमा छा हूंदा हुआ, असांखे नसीब थिया उहे पढ़ण घर में हूंदा। त मुंहिंजे ख़्याल में इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे त माण्हू पंहिंजे ख़्यालनि खे ज़िंदगी जे हर सतह ते रीविज़िट करे सघे, उन्हनि जे बारे में ॼाणे सघे त दुरुस्त न हुआ। ऐं जेकॾहिं माण्हू खे ख़बर पवे त मुंहिंजी ज़िंदगी, तव्हांखे ख़बर आहे त रूमी मौलाना रूम उहो सख़्तु मज़हबी माण्हू हो, ऐं इन करे मौलाना हो, छो त आलिम हो मज़हबी वॾो, सूफ़ी न हो। पहिरीं मौलाना रूम पंहिंजी सॼी ज़िंदगी ऐं नशर नवीसो मकाला लिखंदो हो इस्लाम जे बारे में। शम्स तबरेज़ जॾहिं हुन सां मिलियो त वॾी उमिरि जो तमामु, ऐं उन शम्स तबरेज़ जी सुबत खां पोइ नेठि रूमी, उहो रूमी थियो जेके दुनिया पूरी ॻाए थी, जंहिं ते हेगिल लिखियो आहे। त तव्हां ॾिसो दुनिया जा वॾा माण्हू जेके बि थियनि था, उन्हनि माण्हुनि में हिकिड़ो कमाल थिए थो त उहे पंहिंजी सोच में जामिद न हूंदा आहिनि, उहे बिछल न हूंदा आहिनि, उहे मुतहरिक शऊर जा अलामत हूंदा आहिनि। ऐं इहा वॾी ॻाल्हि आहे। मूंखे ॻाल्हि थी अचे, मां पंहिंजे अक्सर तहरीर में कंदो आहियां ज़िक्र, असां वटि अलामा इक़बाल खे ॾाढो ख़्वार ख़राबु कयो वियो आहे हरूभरू। इक़बाल तमामु वॾो शाइरु आहे ऐं तमामु वॾो हिकिड़ो मुफ़क़िर बि आहे। इक़बाल जॾहिं पंहिंजी पी एच डी करे आयो म्यूनिक यूनिवर्सिटी मां, ऐं उनजी पी एच डी जो मौज़ू हो त रीकंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम ऐं पंहिंजो रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ऐं हुन हुनजो जेको डॉक्टरल थीसिस आहे उहा आहे त रीकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इहो हुनजो डॉक्टर थीसिस आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी त जॾहिं इक़बाल पी एच डी करे उतां मोटी आयो त हिकिड़े साल जे अंदरि हुनखे हिकिड़ी क्रिश्चन हिकिड़ी माई लाहौर जी उन ख़त लिखियो त मां तुंहिंजो इंटरव्यू करणु थी चाहियां ऐं तोखां रूबरू ॿुधणु चाहियां थी त तुंहिंजी पी एच डी में तूं छा चयो आहे। त इक़बाल लिखियो आहे हुनखे ख़त में, जावेद में उहो पंहिंजे किताब में शामिलु कयो आहे, चई त मां त पंहिंजी ॻाल्हि तां फिरी चुको आहियां, छो त उहा ॻाल्हि पुराणी थी वई आहे, घणी मां अॻिते वधी वियो आहियां घणी ॻाल्हि तां। त डिप्लाई साहब जो कमाल इहो आहे त हिकिड़ो मुतहरिक शऊर जो हामिल शख़्स हो, ऐं मां सम्झां थो त इहा शइ असांखे सिखणी पवंदी त सिखण जी का उमिरि नाहे, जुस्तजू जी का उमिरि नाहे, पाण खे तब्दील करण जी का उमिरि नाहे, ऐं पाण खे हिकिड़ो नओं इंसान बणाइण जी का उमिरि नाहे। उहो ई माण्हू वॾो माण्हू आहे जेको हर घड़ी हर लम्हे पाण खे बदिलाए थो, पाण खे डेवलप करे थो, रियलाइज़ करे थो, ऐं जुस्तजू करे थो, ऐं ॻोल्हा करे थो। ऐं डिप्लाई साहब इन जो हिकिड़ो सिंध में हिकिड़ो वॾो मिसाल आहे। रोशन ख़्याली डिप्लाई साहब जी जा मौज़ू कहिड़ा आहिनि, हूअं त ज़ैली मौज़ू त हुनजा सवे हज़ार थी ईंदा जेके लिखियलु अथसि, पर हुनजो मजमूई तरह मौज़ू छा आहे डिप्लाई साहब जो, जेकॾहिं सभिनी ज़ैली मौज़ूअनि मां को बिहार जे मौज़ू ठाहे त डिप्लाई साहब छा लिखंदो हो। डिप्लाई साहब जो मौज़ू हो त हुन हिकिड़े तोहम परस्त माशिरे सां मज़ाहमत कई। इहो डिप्लाई साहब जो जोहर ऐं गर आहे त हिकिड़ो रोशन ख़्यालु माशिरो, ऐं उन में मज़हब बि थी सघे थी, यकीनन ई न आहे त को डिप्लाई साहब मज़हब जे ख़िलाफ़ु हो। डिप्लाई साहब मज़हब जे नाले में जेका तोहम परस्ती हुई, जेका पीर परस्ती हुई, ऐं जेको इंसान जो इस्तेहसाल हो, त तव्हां ॾिसंदव त हीउ उहो माण्हू हो जंहिं सिंध जे अंदरि हिकिड़ी निशा सानिया पैदा करण जी कोशिशि कई, जंहिंमें हिकिड़ो रोशन ख़्याली जो समाज, हिकिड़ो तोहम परस्ती खां आजो समाज, ऐं इहा जुरत। हाणे ॻाल्हि करणु सवली आहे, अॼोके ज़माने में ॻाल्हि करणु सवली आहे, उन ज़माने में तव्हां हीउ न सम्झो त अॼोको जेको पीर आहे उहो कोन ज़माने में बि ईअं हूंदो, हे अॼोको वॾेरो जेको हर शइ सही थो वञे अॻे बि ईअं हूंदो। अॼु खां 40-50-60 साल अॻु में लिखणु वॾी ॻाल्हि हुई, का मामूली ॻाल्हि न हुई, ऐं डिप्लाई साहब इन जो को लिहाज़ न कयो। ऐं तव्हां ॾिसंदव त सिंध जेकॾहिं शाइरीअ में मज़ाहमती दौरु शेख अयाज़ खणी आयो त सिंध जे नसुर में जंहिं माण्हूअ बुनियादु रखिया समाजी मज़ाहमत जा, उहो उस्मान डिप्लाई साहबु हो, ऐं इहा हुनखे शइ मुमताज़ करे बीहारे थी। मां आख़िरी ॿ ॻाल्हियूं करे ॻाल्हि पंहिंजी पूरी थो कयां त ॾाढी सुठी ॻाल्हि केस कई असांजे मोहम्मद अली डिप्लाई साहबु, त जुज़वियात में ॾिसूं था त हू अदीब बि हो, जुज़वियात में ॾिसूं था त हू ड्रामा नवीस हो, सहाफ़ी बि हो, ऐं बुनियादी तौर ते हू छा हो। मां सम्झां थो त इन्हनि सभिनी शयुनि में जेकॾहिं ॻोल्ह बि वहदत त डिप्लाई साहबु हिकिड़ो आदर्शी, हिकिड़ो जाखोड़ी इंसान जंहिं वटि रोशन ख़्याल समाज जो तसवर हो, ऐं हुन पंहिंजी ज़िंदगी उन सां मनसूब कई, उन सां कमिटेड कई, ऐं उन जे लाइ कलम हुनजो मोर्चो हो, कलम हुनजो महाज़ जंग हो, ऐं हुन माण्हूअ पंहिंजी सॼी हयाती उहा जंग कई। ऐं तव्हां ॾिसंदव त जेका बि अॼु सिंध में मिसाल तौरु पलीअ साहब जो ई मां मिसाल ॾियां भला, त पलीअ साहब जेको जंहिं नसलनि ते असरु छॾियो, उहो पाण चवंदो आहे त जे ॿिनि माण्हुनि जो मूं ते असरु न हुजे हा त मां सख़्तु गीर को मज़हबी माण्हू हुजां, जेको मदरसे वेठो हुजां, हिकिड़ो इब्राहिम जोयो साहबु ऐं ॿियो उस्मान डिप्लाई साहबु। त
त तव्हां रुॻो हिन मिसाल मां ॾिसो त हिननि माण्हुनि जो असरु केतिरनि माण्हुनि ते पियो हिन समाज में, जिन पंहिंजे पंहिंजे ज़िंदगी में पंहिंजे दौर में समाज ते असरु ॾिया। त डीपलाई साहबु हिकिड़ो फ़र्ज़ु न हो, डीपलाई साहबु हिकिड़ो जेन्युइन सेंस में मूवमेंट हो, हिकिड़ी तहरीक हो, ऐं उहो डीपलाई साहब जो जेको वणु ऐं किरदारु हो। अदी ॻाल्हि कई तव्हां त असांजे अदबी तारीख़ुनि में, अदी असांजी जेके अदबी तारीख़ूं लिखियल आहिनि, मां पाण अदब जो शागिर्दु आहियां, अदबी तारीख़ूं इहे तारीख़ूं आहिनि ई कोन, इहे तबसरे निगारी आहे अदब जी जे बारे में बसि। सिंधी अदब जी अञा हिकिड़ी बि सही माना में हिकिड़ी आलमाना हिकिड़ी गहराईअ सां लिखियल का तारीख़ लिखियल कोन्हे। इहे सभई तबसरे निगारी वारा किताब आहिनि। पोइ ज़ाहिर आहे त पोइ कंहिंमें अधु सुफ़ो, कंहिंमें ॾेढ सुफ़ो, कंहिंमें ॿ सुफ़ा, उस्मान डीपलाई जे बारे में इहो कुझु आहे, ऐं उनमें बि रस्मी शयूं आहिनि, मालूमात आहे, हे लिखियईं, हे लिखियईं, हिते ॼाओ, हे कमु कयईं, हे प्रेस अख़बार ॻाल्हि कयईं। त डीपलाई साहब जी तव्हां सही ॻाल्हि कई त डीपलाई साहब खे मुतारफ़ कराइणु खपे असांखे पंहिंजे समाज में, ऐं डीपलाई साहब जी रुगो फर्ज़ जो मसइलो न आहे, उहो त वियो हलियो, हुनखे कहिड़ी ज़रूरत आहे असांजे ममता जी, हू असांजे ममता खां बेनियाज़ आहे। इहे सभई वॾा माण्हू इहे असांजे मञता मञूं त बि बेनियाज़ आहिनि, जे न मञूं त बि बेनियाज़ आहिनि, हुननि खे का घुर्ज न आहे असांजी। इहे हुननि जी मञता जी ज़रूरत हिन समाज खे आहे, हुननि जी परख जी ज़रूरत हिन समाज खे आहे। त जीअं जिन आदर्शनि, जिन रवैयनि, जिन सोचनि ऐं जंहिं वण ऐं जंहिं किरदार जा इहे साहिब माण्हू आहे, इहे अॼोको दौर जो माण्हू असां पंहिंजे पंहिंजो पाण में ऐं पंहिंजे ईंदड़ नसल में मुंतकिल करे सघूं। त मुंहिंजे ख़्याल में दुनिया जी सभिनी क़ौमुनि में इहो ई उसूल हूंदो आहे त क़ौमूं पंहिंजे नए नसल जी मिटी ॻोहींदियूं आहिनि पंहिंजे वॾनि माण्हुनि जे ज़िक्र सां, उन्हनि जी परख सां। ऐं डीपलाई साहबु उन्हनि में तमामु हिकिड़ो ग़ैर मामूली माण्हू हो। ऐं डीपलाई साहबु नाटक, काश इहे असां वटि नाटक हाणे उभरे पियो, थियणु खपे। मां हिकिड़ो हीउ मिसाल ॾियणु चाहियां थो रुॻो त डीपलाई साहबु जाट बरना तव्हां ॿुधो नालो, जाट बरना छा तव्हां ॿुधो हूंदो त तमामु वॾो नाटक नवीस हो, वॾो राइटर हो। ऐं तव्हां ॾिसंदो त जाट बरना छा जॾहिं आयरलैंड मां लंडन लॾे आयो, हो आयरलैंड में जो शहरी हो, उते ई ॼाओ हो। ऐं जाट बरना छा जो जेको जेका माउ हुई उहा टीचर हुई म्यूज़िक जी, ऐं हुनजो पीउ तमामु ग़रीब मवाली वियो, हुनजो पीउ कमाईंदो कोन हो। पोइ छा कंदो हो, उहो ॾिसंदो हो नंढो ॿार, तकलीकी ॿार, त हू इन मां रिवोल्यूशनरी थियो, इनकलाबी थियो। हो ॾिसंदो हो त मुंहिंजो पीउ कुझु नथो करे, मवाली आहे, अकार जा, ऐं मुंहिंजी माउ खे मारे थो 24 कलाक, त जीअं मूंखे पैसा ॾिए त मां नशो कयां। ऐं हुन ॿार जे ज़हन ते इहो असरु पियो, ऐं हुन ॾिठो त हिकिड़ो इहो समाज कीअं थिए थो। ऐं तव्हां ॾिसंदो त जॾहिं जाट बरनार्ड शाह लंडन लॾे आयो, छोकिरो हो, ऐं जॾहिं उते राइटर थियो ऐं ड्रामा लिखणु शुरू कयईं, त लंडन जी जेका ज़िंदगी हुई अदबी, उन में हिकिड़ो इनकलाबु आणे छॾियो जाट बरनार्ड शाह। छो त लंडन जा जेके उन ज़माने में जेके रिवायती अफ़साना निगार हुआ, नावेल नवीस हुआ, नाटक नवीस हुआ, उन्हनि में इहो गहरो समाजी शऊर ई कोन हो जेको बरनार्ड शाह खणी आयो, ऐं हुन अची इहा सही शइ। ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी त पोइ हुन फेबिन सोसाइटी जो बुनियादु रखण मां हो। त उस्मान डीपलाई साहब जो कमाल इहो आहे त असांजे सिंधी अदब में अदब जो जेको समाजी कारज आहे, छो थो लिखे को राइटर, छो थो लिखे को लेखक, जेको उनजो समाज सां कमिटमेंट आहे, उनजे लाइ डीपलाई साहबु हिकिड़ो आदर्श ऐं हिकिड़ो मुकमल हिकिड़ो आइडल असांजे लाइ हिकिड़ो रोल मॉडल आहे। ऐं मां सम्झा थो त अॼोके दौर जे राइटर्स खे, माण्हुनि खे, समाज जे सभिनी शोभनि जे माण्हुनि खे हिन माण्हू मां सिखणु खपे त हिन माण्हूअ जी ज़िंदगी केॾी बामक़सद हुई। ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त क़ौमुनि जा जेके बानीकार माण्हू हूंदा आहिनि उहे पाण गुम थी वेंदा आहिनि ॿिज वांगुरु। तव्हां ॾिठो आहे कॾहिं ॿिज, जॾहिं ॿिज पोखबो आहे त ॿिज पाण सलामत न रहंदो आहे, पर जेको ॿिज मां फुटंदो आहे उहो सॼो ज़मानो ॾिसंदो आहे। त डीपलाई साहब जहिड़ा माण्हू भली ख़बर न हुजे माण्हुनि खे त उहो केरु हुआ, पर इहे उहे ॿिज हुआ जिन पंहिंजी पाण जी नफ़ी कई ऐं हिन समाज में रोशन ख़्याली जा ॿूटा ॿारियूं। अॼु असां उहा ॾिसी सघूं था रोशन ख़्याली पंहिंजे समाज में। तव्हांजी वॾी महिरबानी। महिरबानी साईं जामी चांडियो साहब। हीअ सॼी कार्यवाही रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां रिकॉर्ड थिए पई, जेका पोइ वरी उतां पेश कई वेंदी। ऐं पंहिंजी शख़्सियत में हिकु बाकमाल उस्ताद वारी हैसियत सां मौक़िक कहाणीकार ऐं अदीब उस्ताद आऊं दावत ते ख़िताबु ॾींदुसि साईं हमीद सिंधी साहिबु, जिन खे त हू पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। त मूं जीअं मोहम्मद उस्मान डीपलाई खे ॾिठो 1962 खां वठी, त पछाड़ीअ ताईं उन सां साथ रहियो। जॾहिं संदसि ड्रामा जेको आहे सो उहो असां करायो हो अब्दुला मेमन साहब जे हिमथाइण ते, उहो ड्रामो जेको करायो हो उहो हो शायदि,
ऐं मां ईअं सम्झां थो त उहो उन ते हू मरहूम एॾो ख़ुशि थियो ऐं एॾी त शाबस ॾिनई, एॾो त प्यारु कंहिं अखियुनि में पाणी हुजेसि, जीअं त हीअ आख़िरी मां पंहिंजी ज़िंदगीअ में पंहिंजो शाहिदी ड्रामा जेको आहे हुनजा किरदार ॾिसां पियो, ऐं उन्हनि जेका परफॉर्मेंस ॾिनी हुई हैरान कोन हुई। तंहिंजे करे उन्हनि हक़ीक़त में जेकी कुझु मूं ॾिठो दीपलाई साहिब खे, उहो तव्हां पढ़ण वसीले या किताबनि वसीले महसूसु करे सघो था, पर असां छुहा वसीले महसूसु कयो। ऐं छुहा वसीले जॾहिं हू प्यारु कंदो मूंखे, शाबाश ॾींदो हो त बाबा हे अॼु तो प्रिंटिंग प्रेस में ई कमाल करे ॾेखारियो आहे, हीउ जदीद प्रेस जो आर्ट ॾिनो आहे, उहो छुहाव जेको आहे उन छुहाव खे अॼु बि मां पंहिंजे गलनि ते, पंहिंजे हथनि ते ऐं मिठियूं ॾींदे उनखे महसूसु कयां थो। छाकाणि त उन माण्हूअ जे अंदर में तमामु नरम 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 दिलि ऐं पर हिमत जबल जेॾी जबल वांगुरु बीठो रहियो ऐं हर वक़्तु अॾे सां अटकंदो रहियो। उहो ईअं जो एंटी वन यूनिट जो जेको दौरु थियो शुरू, त मुंहिंजे अयास जॾहिं जेल में हो त मुंहिंजे ऑफिस मां जुलूस निकितो, जंहिंमें जेको आहे सो मूं पंहिंजे मज़मून जेको महिराण में छपियो आहे उन में ज़िक्र कयो आहे, त अयास जेल में हो, रशीद जेल में, त मुंहिंजे ऑफिस मां तॾहिं मां वकालत कंदो हुउसि खोखर महले मां, उतां जुलूस निकितो असांजे दीपलाई साहिबु उनजी अॻवाणी कई। ख़वातीन जो जेको ज़िक्र कयो, असांजे ख़वातीन खे अॻियां अचणु खपे, उन वक़्तु उन्हनि ख़वातीन में जेका बेगम चन्ना, जंहिंखे असां जी चन्ना चवंदासीं, ज़रीना बलोच, ॿियूं ख़वातीन बि उन सां गॾु आहिनि, हू अॻवाणी करे पियो। ऐं इन सॼे पस मंज़र में जेको बि हुन जो एक्शन मूं ॾिठो, उहो सिंध जे लाइ हो, सिंध जे माण्हुनि जे लाइ हो, सिंध जंहिंखे जाॻाइण जे बि, ग़रीब माण्हुनि जे लाइ, पोरियत माण्हुनि लाइ, उन्हनि खे जाॻाइण लाइ हो। उहो हक़ीक़त में हुनखे ख़ुदि ख़बर न पई, मूंखे बि ख़ुदि ख़बर न पई त असीं छा था कयूं, पर मोहबत ऐं इश्क़ जेको हो उहो हिकिड़ो ई इश्क़ थींदो आहे हिकिड़ो दफ़ो। उहो इश्क़ हुनखे बि सिंध सां हो, सिंधी अदब सां हो, प्रिंटिंग सां हो, प्रेस सां हो, हर उहो हर उहा विख जेका अदब ॾांहुं ने थी या सिंध जे भलाई ऐं बहितरीअ ॾांहुं, तीअं असां बि इश्क लातो जेलनि में वियासीं। झीला असांजो दीपलाई साहिबु जेको आहे जेल में, मूंखे यादि आहे त जॾहिं मां जेल में होसि ऐं उन पंहिंजो पुलिस जी गाॾी हिन जे प्रेस खां लंघी त हिन बिहारी ऐं उन्हनि खे पुलिस वारनि खे असांखे बि उते अंदरि हुन में या गाॾीअ में वेठा हुआसीं, जेके बि अलाना साहब हो, ॿिया जेके बि असां अंदरि वियासीं, प्रोफेसर हुआ, ॿिया ऑफिसर हुआ, उन्हनि सभिनी खे हिन चांहि प्यारी, सिपाहियुनि खे चांहि प्यारी। हीअ हिकिड़ी अजीब कॉम्बिनेशन, हिकिड़ी कॉम्बिनेशन नंबर थींदो आहे जेको खुली पवंदो आहे, टिचोड़ीअ जो नंबर हूंदो आहे, उहो कंहिं न कंहिं नंबर ते खुली पवंदो, मिलाईंदा। ही नखे ही हिकिड़ी अहिड़ी कॉम्बिनेशन हुई जंहिंजे लाइ तव्हांखे उन नंबर जी ज़रूरत न पिए पई, हू खुलियो माण्हू हो, दिलऊं सदा ऐं हर का ॻाल्हि जेका आहे खुली दिलि सां कंदो। अहिड़ा माण्हू सिंध में हींअर त असीं माफ़ीअ सां माण्हुनि जो काल ॾिसूं था, सिंध सां मोहबत ऐं इश्क वारनि जो काल ॾिसूं था, सिंध जे लाइ भलाई ऐं बहितरी जे लाइ सोचण वारनि जो काल ॾिसूं था। असीं त बिल्कुलु हाणे इन हालति में आहियूं जो न असीं कंहिं हंधि वञी तकीरूं करे था सघूं या तबलीग करे था सघूं या मुबलगीअ जो, असीं वेही उते बदम रू रिहाण जो हाल में उहे माज़ी यादि कयूं था। ऐं अञा बि आहिनि कुल जुग में कापड़ी, असां उहो साबित करे ॾेखारियो त 16 सालनि खां रोज़गार जूं तंगियूं छा बि हुजे,
पर सोरहं सालनि खां असीं कहिड़े नमूने सां हीअ बज़्म रूह रहण हलायूं था, छाजे लाइ? सिंध जे इश्क में, सिंध जे शख़्सियतुनि खे यादि करण लाइ. हर दफ़े का न का शख़्सियत आॾो अचे थी त मुंहिंजो बाबा इन इन सां इन सां रिहाण कबी, इन सां जेको आहे सो रिहाण हुई ऐं रहणो तॾहिं रीजंदो जॾहिं असीं उन जे बारे में ॻाल्हाईंदा. केतिरा दोस्त चवंदा आहिनि त असांखे दावत ॾियो, मुंहिंजो न दा हीअ दावत ओपिन आहे, हलिया अचो, अची असांखे बि ॿुधायो. अञा बि छाकाणि मरण कंदीअ ताईं बि सिखण जी मौसम नथी वञे ऐं मरण कंदीअ ताईं बि माण्हू सिखंदो रहे थो. ऐं असांखे जेके बि यादगिरियूं आहिनि इहा सिखिया आहे. इहे भली असांजे पंहिंजो डीपलाई साहिब जी जेका आहे यादगिरियूं हुजनि या ॿियनि महककनि जूं हमसफ़रनि जूं. मूंखे यादि आहे जॾहिं असां हितां इहो फोक्सवैगन मूं वटि हूंदी हुई, जो पोइ इहा इन में चढ़ी असीं जॾहिं निकिरंदा हुआसीं एंटी वन यूनिट जी तबलीग लाइ, ऐं पोइ असांखे मूंखे यादि आहे त हिकिड़े दफ़े फोक्सवैगन में अब्दुला चना साहब, ग्रामी साहब ऐं डीपलाई साहब इहे सभु गॾु हलंदा. छाजी उमिरि जे लिहाज़ खां का ॻाल्हि हुई त न इहा उमिरि जेका आहे सा हे नौजवान हुआ. हिमत सां ग़ुलामंद ग्रामी असां सां शामिलु थियो, तोड़े खणी हू हुन क्लासिकल या क़दीम अदब जो प्रचारक हो या केतिरा ई हुआ हूंदा, पर हीउ न, हीउ जदीद अदब सां वाॻियल माण्हू हुआ. ऐं उन्हनि पंहिंजे जदीद अदब सां जंहिं नमूने सां बि निभायो, तोड़ ताईं निभायो. ऐं अॼु बि मां हींअर इहो रिसालो छॾियां, मूंखे हू जेको आहे यादि ॾियारींदो आहे मोहम्मद अली, त हिकिड़ो ख़त मूंखे लिखियो आहे जंहिंमें शेख अयाज़ जी वाई हुई, जेकी नूर निचोड़े विया वारी वाई जेका आहे उहा हिन में मूं खोली त मां तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां पियो. सीने भर रिड़ंदियासि जेतिरो हाल हूंदो, त उहो जेको आहे सो गोॾनि भर रिड़ंदियासि, पोइ छा साहिब जो शहर आहे त सीने भर रिड़ंदियासि, त उहो जेको आहे सो तेसिताईं जेसिताईं साह आहे बज़्म बि हलायां पियो. ऐं उन खां अलावा पंहिंजा किताबड़ा बि सहेड़ियां पियो ऐं ॾाढा सामान कढिया अथमि, पर पोइ को पछपाइण वारो कोन्हे. ऐं मां चवां रूह रिहाण वाराए ओरिजिनल हालति में छपजणु खपे. जेसीं जहिड़ो आहियां तेसीं सिसीअ में साह आहे, सिंध सां निभाइबो अचिबो, सिंध जीजल अमर खे कॾहिं बि सीने खां धार न आहे. तव्हांखे गुज़ारिश आहे त सिंध सां वफ़ा कयो. वफ़ा जो अख़र तमामु ज़रूरी आहे. वफ़ा अज़ीज़ क़रीब पाड़े वारा सभु हिक ॿिए सां वफ़ा जे नाते में ॻंढियल हुजनि, इहा ई मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे. आख़िर ताईं मुंहिंजी इहा ख़ुशि रहंदी त सिंध आबादु रहे, सिंध हमेशह आबादु रहे, ख़ुशि रहे, ख़ुशहाल रहे, ऐं सिंधी माण्हू सिंध जो अदब जीए. महिरबानी. मां हिमत भरियो शख़्स आहियां ऐं इहा हिमत मोहम्मद उस्मान डीपलाई ॾिनी, साईं अमित सिंधी जो. ऐं ॿियो हिमत भरियो शख़्स अदबी हवाले सां तमामु वॾो नालो, संदसि लिखणियुनि में, कहाणियुनि में, नावेलनि में जेको सहर आहे उहो हुनखे ख़बर हूंदी जंहिं हुनखे पढ़ियो आहे. तव्हां सभिनी जे साम्हूं असांजो आख़िरी मुक़रर साईं ग़ुलाम नबी मोगल साईं. सो मूंखे यादि आहे पहिरीं बि कॾहिं मूंखे ॿुधायो आहे शायदि, त मुंहिंजो हिकिड़ो अफ़सानो महिराण में छपियो हो, वाचूड़नि में लात. उहो डीपलाई साहिब खे ॾाढो वणियो ऐं डीपलाई साहिब जो हिकिड़ी घिटीअ में प्रेस हुई, ॿिए घिटी में मुंहिंजो घर हो खोखर पाड़ो असांजो. सो राति जो असांजे दर ते 11:30 पण 12 बजे सियारो तह सियारो हुजे, घिंटी वॻी, सो बाबा ॿाहिरि बीठो, उन ॾिठो, पुछियो बाबा केरु आहे, त हुनखे चई त ग़ुलाम नबी खे ॿाहिरि मोकिलियो. त बाबा ॾिठो ऊंदहि थोरी लॻी पई, आयो चई बाबा हिकिड़ो पोड़ो शख़्स आहे बीठो आहे ॿाहिरि, हीअ त पोड़नि सां संगत रखणु शुरू कई आहे या? ऐं चयो न, ॾिसां थो केरु आहे. ऐं वियुसि ॿाहिरि,
ॾिठुमि ॾीपलाई साहिबु बीठो हुजे, खथो वेठो पियो हुजेसि, मुंहुं बि जहिड़ो सवा सीअ खां पाण खे बचाइण जे लाइ 11:30 ऐं पाण चेक कराए चयो सॼो, पुछो त साईं तव्हां कीअं आया आहियो, ख़ैर त आहे? चई था ख़ैर ॿार का ॻाल्हि कोन्हे, का सभु ठीकु ठाकु आहे, ऐं हींअर प्रेस तां घर वियुसि पिए, राति मूं तव्हांजो यार कहाणी पढ़ी वाचूड़नि में ला त मूंखे ॾाढी वणी, सो मूं चयो त गुलाम नबी खे ऐं थोरो मुबारक ॾियां त तुंहिंजी यार कहाणी मूंखे ॾाढी वणी। मुंहिंजो साईं मूंखे घुराए वठो आहे, मूंखे घुराए वठो आहे, ऐं तव्हां वटि अचां हा, ऐं ॾींहं में ॿ टे चकर कंदोसि। चवणु असांजी वरी सुहिणी प्रेस हूंदी हुई त हुन सुहिणी प्रेस जे करे कॾहिं असांखे तव्हां कागज़ खपंदो हुओ, कॾहिं को टाइप जा कुझु कुझु खपंदा हुआ त उहे असीं हितां वठंदा हुआसीं। सो मुंहिंजो तव्हां मूंखे चओ आहे तव्हां हलियो अचां, चई न बाबा इहा ॻाल्हि न आहे, जेको लिखियो आहे सो तमामु सुठो लिखियो आहे। ठीकु, बसि ईअं ॿ अखर चई ईअं हलियो वियो। अंदरि घर वियुसि त बाबा मूंखे चयो त बाबा हिन शख़्स सां, बाबा असांजो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो आहे त उनखे सॼी ख़बर बि आई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो माण्हू हो। सो मूंखे चई हिन शख़्स सां तव्हांजी वाक़फियत कीअं थी? मुंहिंजो बाबा हीउ तमामु वॾो अदीब आहे, तमामु ॻाल्हि आहे। चई न बाबा अदीब अदीब कोन्हे को, थोरो मुंहिंजो ख़्यालु पंहिंजो ख़्यालु करियो, सुभाणे पुलिस ॿधी वेंदी, असीं तव्हांखे अॼु थाणे ते मुलाक़ात कंदासीं। मुंहिंजो बाबा ईअं कोन्हे को, चई न बाबा वरी ख़्यालु करियो त हिन अंग्रेज़ हिन खां ॾिजंदा हुआ ऐं हाणे हीउ छा कंदा हिननि खे? चवणु मक़सदु इहो आहे त ॾीपलाई साहिबु पंहिंजे दौर जी हिकु अजीब शख़्सियत हुई, जंहिंमें हिकु अजीब सहर हो, ऐं जीअं दोस्तनि चयो त हुन में शऊर बि हो, जाखोड़ी बि हो, इहे ॿई शयूं जंहिंमहिल गॾु गॾु बि थियूं आहिनि त पोइ इंसानु जेको आहे सो वॾो महान थींदो आहे। पर जेकॾहिं ख़ाली शऊर आहे ऐं घर में वेठो आहे, को ॿियो को कमकार कोन्हे को, ऐं उहो जाखोड़ कोन्हे का, ॾीपलाई साहिब में ईअं कोन हूंदी हुई। ऐं ॾीपलाई साहिब वटि ॾिसी वेंदासीं त असांखे ख़बर पवंदी त असां बि ॾीपलाई साहिब जे एज जा आहियूं या हू असांजी एज जो आहे, सम्झो? त इन में को फ़र्क़ु कोन थींदो हो। ॾीपलाई साहिब जे दौर खे असां 1843 खां वठणु खपे। असांखे 1843 में अंग्रेज़नि सिंध फतेह कई, उन वक़्तु 24 मई 1843 ते चार्ल्स नेपियर ऑर्डर कढियो त जेके बि ज़मीनदार जागीरदार जिन वटि ज़मीनूं हुयूं उहे सभु कैंसिल, ऐं जिन खे खपनि से मूं वटि अचनि फलाणी तारीख़ ते, ऐं असां सां वफ़ादारी जो कनि त उन्हनि खे वापसि कंदासीं। त असांजे सॼे सिंध जा मूं वटि किताब आहिनि जेके अंग्रेज़नि जा लिखियल आहिनि, उन्हनि में उन सॼे सिंध जा नाला उन में ॾिनल आहिनि त कहिड़ा कहिड़ा किथां कराची मां कहिड़ो केरु आयो, त जेकोबाद मां केरु आयो, कीअं आयो, इहे सभु अची टे नंबर तला वटि हिते पट मैदान हो, हिते खेमा खोड़े ते वेठा थिए जी। ऐं सर चार्ल्स नेपियर हिकु कुर्सीअ ते बादशाह वांगुरु वेठो, ऐं हीअ जेके बि असांजा वॾेरा पीर ऐं जिन वटि बि ज़मीनूं हुयूं, ऐं मुर्शिद मुर्शिद इहे सभु आया, हर को सर चार्ल्स नेपियर खे सिजदो कंदो वियो, प्रोस्टिकेशन चवंदा आहिनि, उहो सिजदो कंदो वियो ऐं पंहिंजे ज़मीननि जी सनद उन खां वठंदो वियो, ऐं हुन इहो ई चयो डू वॉट एवर यू लाइक बट ओबे मी, सम्झो? तव्हांखे जेको वणे वॾेरनि खे, त उन वक़्तु ई असांजा जेके वॾेरा इज़म जेको आहे उनजी बुनियादु जेकी आहे जंहिंखे हींअर असीं भोगियूं पिया उहा उतां शुरू थी। जेका अॻिते हली पोइ ॾीपलाई साहिब जहिड़े माण्हुनि खे उन्हनि खे फेस करिणो पियो, उननि सां अटकणो पियो, उन सां विढ़णो पियो। पोइ ॾीपलाई साहिब लाइ ख़ाली वॾेरा कोन हुआ, पर उन वटि हिकिड़े मल्टीपल माण्हू हुआ जिन जे ख़िलाफ़ु हुनखे विढ़णो पियो पिए, जंहिंमें कट्टर हिंदू बि हुआ, उन्हनि मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ु लिखियो, ऐं बेसिकली मुस्लमाननि जो जेको आहे ॻाल्हि उहा असांजे ॾीपलाई साहिब जे ज़हन में त हुई त तव्हां नूरजान ऐं जहांगीर ते लिखियो आहे त वरी हिंदुनि जेके बादशाह खणी किताबु लिखी छॾींदो।
इस्माइली ख्वाजा हुआ उन्हनि ते बि कुझु लिखियईं ऐं उन्हनि ते कुझु उहो तकलीफ़ूं बि सचियईं सम्झो ऐं उहे उहे आहिनि अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ु हो ऐं जेल बि न काटिया मतिलबु त हुन सभु करे उनखां पोइ पछाड़ी जो जेॾी महिल पाकिस्तान ठहियो त 5 साल जमायत इस्लामी जो बि मेंबर हो ऐं जमायत इस्लामी जो बि यानी मौलाना मोदीअ जो जेको बि लिटरेचर आहे उन सभिनि खे ट्रांसलेट करे उन वक़्तु जेतिरो बि हो ट्रांसलेट करे उनखे फैलाइण में बि हो त मुस्लमान जेके आहिनि से सही राह ते हलनि सम्झो ऐं सियासी तौर ते बि हिन जो तमामु वॾो कमु कयल आहे माण्हुनि सां उथणु वेहणु ई सभु कुझु करणु ऐं इहे सभु शयूं ॾिसणु ॾिनियूं त ॿियो इन खां अलावा जेॾी महिल पाकिस्तान ठहियो ऐं वञी जो आयो जेको पोइ हुनजो कमु हो त तमामु हिकु डिघो आहे पर आउं सम्झां थो त असांजे जदीद अदब नसरी जदीद अदब जी जो बुनियादु जेको आहे सो दीपलाई साहब विझी वियो ऐं उन जे ते असांजा ॿिया जेके अदीब जेके आहिनि असीं जेके बि आहियूं उन्हनि उनखे शुरू कयो ऐं उतां जेको सो जदीद अदब हलियो जीअं शेख अयाज़ असांजो नज़्म ते आयो ही उन ते आयो सो हिकिड़ो अजीब माण्हू हूंदो हो जिते मिलंदो हो उते जले बीहारे बीहंदो ॻाल्हियूं पुछंदो हो फलाणो किताबु पढ़ियो अथई फलाणो जेको वॾा इंसानु पढ़ियो अथई ऐं तोखे मोकिले ॾींदुसि साईं मूं हुते मोकिलियो न ऐं पाण ख़रीद करे वठंदुसि पर उहो मोकिले ॾींदो असांखे असांजी प्रेस ते त हीअ तव्हां पढ़ो ऐं किताबु ॿियो कागज़ बि हिन वटि हूंदा हुआ पोइ जेकॾहिं असीं खुटंदासीं त बि असीं वञी कागज़ बागज़ वठंदासीं सुहिणी असांजी मैगज़ीन असांजी हूंदी असीं वञी उहो वठंदा हुआसीं सो त हाणे अञा त वधीक आहे पर मां तव्हांखे हिकिड़ो जेको हुन असांखे इलाही टोटका ऐं लतीफ़ा इहो ॿुधाईंदो हो हिकिड़ो मुर्शिदनि ते हिकिड़ो टोटको ॿुधाई हल्को हल्को आहे त हिकिड़ो मुर्शिद हूंदो त उहो हर जुमे ते निमाज़ खां पोइ अशरफ़नि जी प्लेट भरे अॻियां रखंदो ऐं जेके बि साइल ईंदा हुआ उन्हनि खे उहे जंहिं महिल घुरंदा हुआ साईं असांखे कुझु ॾियो त ॾाढ़ी ते ईअं हथु फेरींदो जेकॾहिं हुन मां हिकिड़ो वार निकितो त हुनखे हिकिड़ो अशरफ ॾींदो जेकॾहिं ॿ वार निकिता त ॿ अशरफ ॾींदो त दीपलाई साहिबु चयो त मूं जहिड़ो हिकिड़ो ॾुखियो माण्हू हिकिड़ो वियो घुरियो त हथु घुमायो न त वार निकितो कोन चई बाबा तुंहिंजे नसीब में कोन्हे को वारी कोन अचे साईं वरी कोशिशि करियो महिरबानी करे इहो आउं ग़रीब माण्हू आहियां कुझु मुंहिंजे ॿारनि जो ख़र्चु ईंदो मुर्शिद वरी घुमायो हथु त उहो वार न लथो चई बाबा तुंहिंजे नसीब में कोन्हे को चई पोइ माण्हू पियो कावड़जी चई साईं हाणे ॻाल्हि ॿुधो मुंहिंजो नसीबु ख़राबु छो आहे जेकॾहिं ॾाढ़ी बि तव्हांजी ऐं हथु बि तव्हांजो त पोइ वाक़ई मुंहिंजो नसीबु ख़राबु आहे बाक़ी ॾाढ़ी हुजे तव्हांजी ऐं हथु हुजे मुंहिंजो पोइ नसीबु ॾिसो महिरबानी ख़ूबसूरत ॻाल्हियुनि सां ख़ूबसूरत माण्हुनि जी यादि जी हीअ तकरीब पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थी ऐं सिंधियत बि संगत शाख हैदराबाद जे ख़ज़ानची जनाब अली अकबर शाइक साहिबनि खे गुज़ारिश कंदुसि त उहो अचनि वोट ऑफ थैंक्स जे लाइ ऐं हीउ प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जी तरफ़ां रिकॉर्ड थिए पियो जेको पोइ वरी टेलीकास्ट थींदो एज़ इट इज़ जीअं असां ॻाल्हायो आहे अली अकबर शाइक अॼु असां हिकु अहिड़े शख़्सियत खे जेको आहे सो भेटा पेश करे रहिया आहियूं जंहिंजो मिसाल नथो मिले हिन जे लाइ जेको आहे असां पूरी जेका भेटा पेश न करे सघिया आहियूं छाकाणि त थोरो टाइम कोन्हे ऐं वॾो हिकिड़ो प्रोग्राम जाम प्रोग्राम थियणु खपे जंहिंमें साईं दीपलाई साहब खे भेटा पेश करियूं ऐं हुनजो जेको आहे मां सभिनी दोस्तनि जो ऐं स्टेट वेठल ॿारनि जो साईं ज़ेब सिंधी साहिबनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जो इन महफ़िल में अची असांखे मान बख़्शो महिरबानी ऐं हिन सां गॾु असांजो प्रोग्राम पूरो थियो सामिन हिन सां गॾु ई साईं मोहम्मद उस्मान दीपलाई जेको ख़ासि तौर ते सिंध जी सहाफ़त ऐं अदब जे हवाले सां सिंध जो तमामु वॾो नालो आहे ऐं अहिड़ो नालो आहे जंहिंजो ख़्यालु अॼु ॾींहं ताईं पूरो न थी सघियो आहे
ही प्रोग्राम जो संदस वर्सी एवॉर्ड की तकरीब के हवा से हो सो पानी पुजाणी के पोतो जाफर मेमण के हैदराबाद में इजाजत दींदा बुधंदा रहंदा रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।